आई ऑडिबल टू हेलो हेलो यस नाउ आई एम ऑडिबल चल मैंने माइक ही कनेक्ट नहीं किया था यस यस चलो चलो येस मैंने माइक कनेक्ट नहीं किया था इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था अब मैं ऑडिबल हो गई होंगी यस चलो जस्ट गिव मी वन मिनट फॉर्म One second. चलो टेलीग्राम पे लिंक आ गई सबको फटाफट -फड़ से बता दो Yes. ओके okay. सेकेंड ओके okay, आ गई होगी देखो हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आर यू ऑल एक्साइटेड मुझे पता है ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है लेकिन आज के बाद ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा और सीई की क्विक रिविजन आपकी कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ तो so, क्या आप लोग तैयार हैं हाँ बोल दो तो जल्दी जल्दी सब लोग चैट बॉक्स में क्विकली क्विकली जितना जल्दी हाँ बोलोगे उतना जल्दी स्टार्ट करेंगे येस लेट्स स्टार्ट कल ही रिवाइज किया था बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो गुड मॉर्निंग एवरीबडी आई होप आपका कल का मॉक टेस्ट अच्छा था अभी तक बच्चों ने कल के मॉक टेस्ट का मार्क्स नहीं बताया है कल हमने 100 एम का जो मॉक टेस्ट लिया था उसका मार्क्स आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो सब लोग वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर देना अभी स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वाले सेशन के साथ इस चैप्टर का वेटेज कुछ अप्रोक्सीमेटली आठ मार्क्स का है कल के मॉक टेस्ट में हमने देखा था कि कितने सारे एमसीक्यूज आए थे तो इस चैप्टर को फॉर हंड्रेड बिल्कुल नहीं लेना है आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ये चैप्टर रिवाइज करना है सो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे अपना टाइम टेबल में से ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है आपके मार्क्स कितने आए जल्दी जाके कमेंट करो वीडियो के नीचे मार्क्स कमेंट करो फटाफट से जाके आपका आज मैं एनिमल वाला चैप्टर ले लूंगी और कल आपका फिजिक्स का ग्यारह बजे सेशन होने वाला है ठीक है कल आपका कौन सा लेक्चर होगा फिजिक्स केटेजी एंड रेडिएशन का चैप्टर होगा चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ अभी सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड एन हायर एनिमल्स के बारे में देखें तो कल ही हमने पढ़ा था यानी कि हम जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तभी हमने देखा था रिप्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है स्पीशीज़ को कंटिन्यू करने के लिए सर्वाइवल चालू रखने के लिए तो रिप्रोडक्शन इज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट आपके सिलेबस से डिलीटेड है तो आपको ये पार्ट नहीं करना है डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं एम्फीमैक्सिस एम्फीमिक्सिस मतलब क्या होता है एम्फी मतलब टू डिफरेंट एम्फीबियंस होते हैं ना जैसे मगरमच्छ पानी में भी रहते हैं पानी के बाहर भी रहते हैं इसीलिए उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं मेंढक पानी में भी रहते हैं पानी के बाहर भी रहते हैं हम उनको एम्फीबियंस बोलते हैं तो एम्फी मतलब टू डिफरेंट और मिक्सिस मतलब मैरिज मिक्सिस मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों मैरिज यानी दो गैमेट्स का फ्यूजन तो जब दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है किसी भी गैमेट का फ्यूजन होगा तो चलेगा क्या नहीं कंपैटिबल गैमेट्स का फ्यूजन होना बहुत ज़रूरी है तो दो कंपैटिबल गैमेट्स जब फ्यूज करते हैं तो आपको न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिकली तीन फेजेस होते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी हमने ये देखा था जुविनाइल फेज को हम बोलते हैं यंग फेज एनिमल्स के केस में अगर मैं ह्यूमंस का एग्जाम्पल लूँ तो जो प्री रिप्रोडक्टिव एज होता है यानी जीरो से लेकर तेरह साल तक की जो उम्र होती है वो जुविनाइल फेज में होती है इसीलिए कोई भी बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो उसको नॉर्मल जेल में नहीं डाला जाता उसको जुविनाइल जेल में डाला जाता है चिल्लर रूम जिसको हम बोलते हैं ओके okay, यानी कि वो बच्चा भी यंग है ही इज़ नॉट मेच्योर तो उसको हम नॉर्मल जेल में नहीं डाल सकते सो दैट इज़ योर जुविनाइल फेज रिप्रोडक्टिव फेज में ज़्यादा करके आपके 13 इयर्स से लेके 45 इयर्स तक के बच्चे आते हैं मतलब पीपल आते हैं जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं जो न्यू ऑफ डेवलप कर सकते हैं और सेनेसेंस एज यानी कि ओल्ड एज जिसमें फोर्टी फाइव के अबव के सिटीजन्स आते हैं ओके okay, अभी देखो अगर हम रिप्रोडक्शन के इवेंट्स की बात करें तो रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए गैमेट्स चाहिए तो तीन इवेंट्स डिवाइडेड होता है आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन एक होता है फर्टिलाइजेशन एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्री फर्टिलाइजेशन में पहले हम गैमेट बनाते हैं और फिर इस गैमेट को हम ट्रांसफ़र करते हैं जैसे प्लांट में हमने गैमेटोजेनेसिस पॉलिनेशन पढ़ा था वैसे यहाँ पर पोलिनेशन की जगह इनसेमिनेशन है यानी कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट क्योंकि फीमेल गैमेट तो चल के मेल के अंदर नहीं आ सकती इसीलिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के अंदर इंसेमिनेट करना पड़ता है तो ये हो गया प्री फर्टिलाइजेशन अब गैमेट एक साथ आ तो गए लेकिन अगर ये गैमेट्स कंपैटिबल हैं तो ही इनके बीच में फ्यूजन होगा ये जैसे कि आप किसी एनिमल के स्पर्म को किसी ह्यूमन फीमेल के ओवरी के साथ फ्यूज़ नहीं करा सकते क्योंकि उनका फ्यूजन नहीं होता है कंपेटिबिलिटी नहीं होती है या अगर हुआ तो वो बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट में आ जाता है सो प्री फर्टिलाइजेशन में पहले हम गैमेट्स बनाते हैं इंसेमिनेशन करते हैं फिर फर्टिलाइजेशन होता है सिन गैमी होता है और फिर उसके बाद आपका जाइगोड का डेवलपमेंट होता है जाइगोड डेवलप होगा आपके यूट्रस में जाके वो सेट हो जाएगा इंप्लांटेशन करेगा फिर प्रेगनेंसी होगी उसको जेस्टेशन बोलते हैं और लास्ट में चाइल्ड के डिलीवरी को बोलते हैं पार्चुलेशन सो दीज आर योर थ्री इवेंट्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल जो आपको एम में आ सकते हैं सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूस ब्रीडर्स के सीजनल ब्रीडर्स मतलब क्या होते हैं सारे एनिमल्स साल भर बच्चा पैदा नहीं करते कुछ एनिमल्स का पर्टिकुलर सीजन होता है जैसे कि अभी श्रावण महीना स्टार्ट होने वाला है तो आपकी जो फिशेज हैं जो कोली लोग हैं वो लोग फिशिंग नहीं करेंगे क्योंकि फिशिज का ब्रीड करने का सीजन होता है मॉनसून सीजन इसी इसी पीरियड में वो ब्रीडिंग करते हैं बच्चे पैदा करते हैं अगर हमने उनको इस पीरियड में डिस्टर्ब कर दिया तो फिश का पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन को फिशेज नहीं मिलेंगी एक्सटिंक्शन हो जाएगा तो सीजनल ब्रीडर्स पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं जैसे गोट, शीप एंड डोंकी एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स जैसे कि ह्यूमंस और बंदर ये कभी भी ब्रीड कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर इनको हम पेरिनियल ब्रीडर भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको हम पेरिनियल ब्रीडर या एनुअल ब्रीडर्स जो साल भर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ठीक है ओके okay. अब देखो ह्यूमंस में बेसिकली हमको दो टाइप के सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब क्या होता है जिसमें आपका गैमेट बनता है आपको सिंपल सी भाषा में बता रही है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्गन होते हैं जिसके वजह से हमको मेल फीमेल में एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं सो दैट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के वजह से आपको सेकेंडरी कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और इन कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं सेक्शुअल डायमोर्फिक कैरेक्टर्स तो यहाँ पर देखो हमको सेकेंडरी कैरेक्टर्स कौन कौन से बताए गए हैं मेल के सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स कौन से हैं मेल की वॉइस ब्रेक होने लगती है उनके चेस्ट पे हेयर ग्रोथ होने लग जाता है उनका फेस वगैरह पे हेयर ग्रोथ होने लग जाती है अंडर आर्म्स और प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रोथ हो जाता है मेल्स की बॉडी प्यूबर्टी के बाद प्यूबर्टी मतलब क्या होती है जब वो अडल्ट हो जाते हैं जब उनकी बॉडी में सेक्स हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है तो चौदह साल के बाद तेरह साल के बाद मेल्स की बॉडी में मस्कुलर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं जो दसवीं ग्यारहवीं के बच्चे उनके बॉडी में अचानक से उनको जोश आता है बॉडी बिल्डिंग करने का तो वो उनका इंटरनल मैकेनिज्म है इसलिए उनकी बॉडी मस्कुलर ग्रो होना स्टार्ट होती है पीनस साइज में लार्ज हो जाता है ताकि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकें और उनके टेस्टिस जो हैं उनमें स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है ओके और फीमेल्स फीमेल्स के ब्रेस्ट की ग्रोथ होती है उनके निप्पल्स इन हो जाते हैं ताकि वो फीड कर सके दैन फीमेल्स के भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स में हेयर ग्रोथ हो जाती है प्यूबिक एरिया में अंडर आर्म्स रीजन में फीमेल्स का हिप यानी कमर वाला रीजन जो है वो ब्रॉड हो जाता है ताकि वो जेस्टेशन कर सके प्रेगनेंसी कंप्लीट कर सके उनका यूटरस और वजाइना लार्ज हो जाता है ताकि वो पार्च्येशन अच्छे से कर सके इंप्लांटेशन अच्छे से कर सके और ओवरीज में से एग्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं यानी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो हमारी फीमेल मेच्योर हो गई चलो फटाक से सब लोग मुझे इस एमसीक्यू का आंसर दो जल्दी जल्दी यस चूज द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल्स फीमेल्स को दाढ़ी आती है क्या जनरली मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रही हूं मैं जनरली नॉर्मल फीमेल्स को दाढ़ी आती है क्या नो जनरली दाढ़ी नहीं आती है फीमेल्स की वॉइस हाई हो जाती है मैचुरेशन के बाद प्यूबर्टी के बाद फीमेल्स के गले से वॉइस जोर से निकलती है उनका पिच इंक्रीज हो जाता है यस yes. फीमेल्स को एडम्स एप्पल होता है क्या नो no. मेल्स को एडम्स एप्पल होता है इधर पे ऐसे गले में एक बोन इनलार्ज हो जाती है लैरिंग्स स्वेल हो जाता है मस्कुलर बॉडी होती है क्या फीमेल्स की नो सो आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी चलो अब हम पढ़ते हैं सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो ऑर्गन्स हमको पढ़ना है प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका आता है टेस्टिस जिसके अंदर आपके बनते हैं स्पर्म बार बार बोल रही हूं मैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब जिसमें गैमेट बनेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यानी कि जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो सिर्फ हेल्प करते हैं ठीक है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलग अलग सेक्सुअल ऑर्गन का लेबल मैंने आपको पहले ही दिया हुआ है लेबल नंबर वन इज सेमिनल वेसिकल लेबल नंबर टू इज इजैक्युलेटरी डक लेबल नंबर थ्री कॉपर्स ग्लैंड लेबल नंबर फोर यूरेथ्रा लेबल नंबर फाइव लेबल नंबर सिक्स टेस्टिस लेबल नंबर सेवन ब्लैडर लेबल नंबर एट प्रोस्टेट ग्लैंड देन दिस इज योर वाज डिफरेंस एन दिस इज योर ग्लांस पेनस ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर हमने पहले लेबल करके रखे अब आप मैं आपको मेल्स के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गेज टेस्टेस उसके बारे में मैं आपको पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ जिसमें से आपको एनसी क्यू पूछा जा सकता है तो ये पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखो मैं आपको ये वन शॉर्ट लेक्चर जो है ये एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ थ्योरी आपको रीड करना ही है मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि दिस इज वन शॉर्ट लेक्चर डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप डिटेल एक्सप्लेशन भी देख सकते हो ठीक है ओके तो टेस्टिस के बारे में हमको इधर पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बताई गई है कि टेस्टिस जो है ये मीसोडर्मल होता है ओरिजिन में मीसोडर्मल मतलब क्या होता है जो हमारी तीन जर्म लेयर्स होती हैं एंडोडम एक्टोडम मीसोडम तो उसमें से मीसोडर्म से आपका टेस्टिस बनता है ये जनरली कहाँ डेवलप होता है फीटस के एबडोमिनल कैविटी में जैसे कि समझो कोई वुमन है कोई वुमन है और वो प्रेगनेंट है और ये वुमन जो प्रेगनेंट है इसका जो फीटस है इसका जो फीटस है वो फीटस मेल चाइल्ड है कैसा है वो मेल चाइल्ड है और ये फीटस तीन महीने का हो गया है कितने महीने का हो गया है तीन महीने का हो गया है तो ये जो फ़ीटस है जो थ्री मंथ्स का है इस फीटस के एबडामिन में टेस्टिस डेवलप हो जाते हैं लेकिन ये टेस्टिस एबडामिन में नहीं रहते स्टमक में नहीं रहते ये टेस्टिस एबडामिन से नीचे आ जाते हैं स्क्रोटम में और स्क्रोटम में कैसे आते हैं ये एक कैनाल की मदद से आपको डायग्राम दिखाती हूँ मैं कि टेस्टिस नीचे कैसे आते हैं ये देखो यह आपका इंग्विनल कैनाल है तो यहाँ पे आपका ये टेस्टिस रहता है ये टेस्टिस ऐसे इंग्विनल कैनाल से नीचे आ जाता है लेकिन सिर्फ टेस्टिस आना चाहिए आपका इंटेस्टाइन नीचे नहीं आना चाहिए नहीं तो इसको फिर हर्निया बोलेंगे यस एवरीबडी और एक सुंदर सा डायग्राम था हाँ ये रहा तो ये जो हमारा टेस्टिस है जो स्टमक वाले रीजन में प्रेजेंट है एबडोमिनल रीजन में प्रेजेंट है ये इस इंग्विनल कैनाल की मदद से नीचे आ जाएगा और ये डायरेक्ट नीचे, नीचे नहीं आता इसको पकड़ के स्पर्मेटिक कॉर्ड नीचे लेकर आती है और ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है स्क्रोटम के पास स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस का टेम्परेचर लो मेंटेन करके रखता है यानी कि बॉडी के टेम्परेचर से टू डिग्री सेल्सियस हमेशा लो टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए टेस्ट स्क्रोटम का तभी आपका स्पर्म का डेवलपमेंट होगा सो दिस इज द फंक्शन ऑफ अवर स्क्रोटम तो किधर पे बना एक मिनट रुक टेस्टिस बन रहा है मीसोडर्म से एब्डोमिनल कैविटी में एब्डोमिनल कैविटी से वो स्क्रोटम में आ जाता है कैसे आता है इंग्विनल कैनल की मदद से और स्पर्मेटिक कॉर्ड की मदद से लेकिन समझो अगर गलती से किसी ह्यूमन में ये टेस्टिस स्टमक में ही रह गया और स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाया तो इन मेल्स में फॉर्म नहीं बनेंगे क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है अप्रॉक्सिमेटली थर्टी टू डिग्री सेल्सियस या थर्टी डिग्री सेल्सियस तो इतने हाई टेम्परेचर में स्पर्म नहीं बनते और अगर स्पर्म नहीं बनेंगे तो इसको बोलेंगे स्टरिलिटी और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं क्रिप्टोरकिडिज्म यानी कि अगर आपका टेस्टिस नीचे नहीं आया फेल हो गया तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्रिप्टोरकिडिज्म अब हम देखते हैं टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस तो हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस में आपको क्या बताया गया है मेल्स के पास दो टेस्टिस होते हैं एक लेफ्ट एक राइट right. तो मेल्स के पास दो टेस्टिस होते हैं ठीक है थीके? ये टेस्टिस की जो बाहर की लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजीनिया टेस्टिस की जो बाहर की कंप्लीट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं तो कोलाजिनस कैप्सूल जो प्रोटीनिक लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया और इसके अंदर जो दो लेयर्स प्रेजेंट होती है मतलब ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर मतलब समझो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है इसके बाहर एक लेयर है इसके अंदर एक लेयर है तो बाहर वाली लेयर को बोलेंगे ट्यूनिका वेजीनालिस अंदर वाली लेयर को बोलेंगे ट्यूनिका वास्कुलोसा बट दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही होती है आगे क्या बताया गया ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया की वजह से आपके जो टेस्टिस है इसमें बहुत सारे लोब्स फॉर्म होते हैं ये देखो ये एक लोब ये दूसरा लोब ये तीसरा लोब तो ट्यूनिका टेस्टिस को डिवाइड करता है 200 हंड्रेड तो टू थ्री टेस्टिकुलर लोब्स बनाता है आपका ये एक एम क्वेश्चन है ये दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन है ठीक है कि कितने लोब्यूल फॉर्म होते हैं एक टेस्टिस में तो अप्रोक्सीमेटली टू टू तो थ्री हंड्रेड अब समझो ये जो मेरा टेस्टिस है इसके अंदर ये जो लोब्स बन रहे हैं

और इस ट्यूब के बेस में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं जर्मिनल एपिथिलियम इस ट्यूब के बेस में हमको क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा जर्मिनल एपीथीलियम ये जर्मिनल एपीथीलियम के सेल्स जो होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं ये माइटोसिस करते हैं माइटोसिस करके बहुत सारे सेल्स बनाते हैं फिर उसमें से जो हेल्दी सेल्स होते हैं ये सेल आगे जाके ग्रोथ फेज में एंटर करते हैं यानी खाना खाते हैं हेल्दी हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और फिर ये हेल्दी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करेंगे और मियोसिस करके आपको चार स्पर्म देंगे तो एक डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको चार एप्लॉयड स्पर्म मिलते हैं चार एप्लॉइड क्या मिलेंगे स्पर्म मिलेंगे सो इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबडी सो सेमिनिफेरस सेमिनिस्टिब्यूल के अंदर आपको जर्म सेल्स देखने को मिलेंगे और ये जर्म सेल्स के पास क्या प्रेजेंट है जर्म uh, सेल्स क्या करेंगे स्पर्म बनाएंगे और बीच बीच में जो सरोटोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं अपने जर्म सेल्स सेल्स के बीच बीच में जो प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं नर्स सेल्स या इनके लिए दूसरा नाम क्या है सस्टेन सेल सेल्सेंट टैक्यूलर सेल ये नर्स सेल या सिस्टेंट टेक्युलर सेल क्या करते हैं ये नरिशमेंट करते हैं ये हमारे स्पर्म को नरिशमेंट देते हैं ठीक है ओके ऑलराइट राइट तो सरटोली सेल्स नरिशमेंट देंगे और जर्म सेल्स से स्पर्म बनेंगे दो सेमिनिफेस्ट्रिब्यूल के बंडल के बीच में हमको क्या देखने को मिलता है ये ये देखो आपका एक सेमिनिफेस्टिब्यूलिफेस्टिब्यूल है दूसरा है इनके बीच बीच में हमको ऐसे सेल्स सेल्स देखने को मिलते हैं 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 ये ये क्या करते बनाते मेल हार्मोन टेस्टोस्टिर ये देखो ये जो आपका लेडिक सेल है इसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं ये एम क्वेश्चन है ये क्या बनाते हैं मेल हॉर्मोन जिसका नाम क्या है इसको आप एंड्रोजन भी बोल सकते हो हार्मोन को एंड्रोजन भी बोलते हैं या कौन सा हार्मोन बनता है टेस्टोस्टिर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है ओके ऊपर जाते हैं हाँ तो ये देखो ये आपका जो बीच बीच में सेमिनिफेस्टिब्यूल्स के बीच में जो लेडिक सेल्स है वो बना रहे हैं टेस्टोस्टिरोन क्या बना रहे हैं वो टेस्टोस्टिरोन बना रहे हैं यानी कि एंड्रोजन हार्मोन बना रहे हैं अब देखो आगे क्या बताया गया है आगे जाके आपके ये जितने भी सेमिनी फेरेस्टिब्यूल्स है ये क्या करेंगे बेटा ये देखो यहाँ से सेमनी फेरस निकला यहाँ से निकला यहाँ से निकला ये सारे के सारे सेमनी फेरस निकल के इधर पे एक वेब लाइक -like स्ट्रक्चर बनाता है एक बंच ऑफ वेसल बनाता है और इस वेब लाइक -like स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेटेटेस्टिस क्या बोलते हैं इसको हम रेटेटेस्टिस यस yes, एवरीबडी मेरी वॉइस बराबर आ रही है एक मिनट रुको चलो आवाज आ रही है मेरी कैन यू हियर मी नाव एक्खो कैसे हो रहा है इतना तो मेरा घर भरा हुआ है वॉइस इज क्लियर यस वॉइस इज क्लियर यस ओके चलो यस तो देखो क्या बोला गया है ये जो हमारे सेमिनी टिब्यूल है ये सारे के सारे सेमनी टिब्यूल एक साथ मिलके मैं आपको फिर से बता रही हूँ सेमनी टिब्यूल के अंदर क्या बन रहे हैं अपने स्पर्म बन रहे हैं तो ये सारे के सारे स्पर्म्स एक साथ आते हैं और ये एक बंच ऑफ ट्यूब बनाते हैं इस बंच ऑफ ट्यूब को हम क्या बोलते हैं रेटिटेस्टिस तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे स्पर्म्स प्रेजेंट है ये सारे के सारे स्पर्म मिल फिर से यहाँ पर कुछ अप्रोक्सीमेटली ट्वेल्व टू ट्वेंटी वेसल्स uh, बनेंगे मतलब ट्वेल्व टू ट्वेंटी ट्रिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और इसको हम बोलेंगे वासा इफ्रेंशिया क्या बोलेंगे इसको हम किधर गया इधर नहीं दिया है ठीक है ये वाला डायग्राम देखो हाँ ये देखो ये आपका रेटेटेस्टिस है रेटेटेस्टिस से क्या निकल रहा है ये है आपके वासा इफ्रेंशिया वाले डब तो यहाँ पे जो स्पर्म बने ये स्पॉर्म रेटेटेस्टिस में आए रेटेटेस्टिस के स्पर्म आपके वासा इफ्रेंशिया में आए अब ये वासा इफरेंशिया के स्पर्म किधर जाएंगे ये जाएंगे आपके एपिडिडाइमिस में किधर जाएंगे ये आपके एपिडिडाइमिस में और एपिडिडाइमिस के तीन रीजन होते हैं एपिडिडाइमिस का जो हेड वाला रीजन होता है इसको बोलते हैं कप्यूट ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है एपिडिडाइमिस का जो बॉडी वाला रीजन होता है इसको बोलते हैं कॉर्पस और एपिडिडाइमिस का जो टेल वाला रीजन होता है इसको बोलते हैं कॉर्डा ये एमसीक्यू क्वेश्चन है ठीक है कप्यूट कॉडा एंड कॉर्पस uh, ओके okay? और फिर उसके बाद आपका एप्रीडाइमिस जो है इसके अंदर भी आपका स्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है जो स्पर्म इधर से लेके इधर तक आया रुको मैं मार्कर कलर चेंज करती हूँ जो स्पर्म यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया ये स्पर्म किधर जाएगा इधर से होते हुए ये आपके वास डिफरेंस से बाहर निकलेगा तो ये स्पर्म्स आपके वास डिफरेंस से जाते हैं फिर वास डिफरेंस से होते हुए ये आपके यूरेथ्रा में एंटर करते हैं ठीक है

आपका ये जो वास डिफरेंस है ये जो वास डिफरेंस है ये आगे जाके सेमिनल वेसिकल के साथ ज्वाइन हो रहा है सेमिनल वेसिकल के अंदर स्पर्म जाएंगे और ये स्पर्म को बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलेगा और फिर ये स्पर्म्स को देखो सेमिनल वेसिकल से इसको फ्रुक्टोस मिलेगा फाइब्रेनोजेन मिलेगा प्रोस्टाग्लैंड मिलेगा फिर ये स्पर्म आपके इजैक्युलेटरी डक्ट में आएंगे फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए कॉपर ग्लैंड में जाएंगे और फिर फाइनली ये यूरेथ्रा में जाएंगे और बाहर इजैक्युलेट कर लेंगे सो so, ये है आपका पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पाथवे में तो आपके सेमिनल वेसिकल में आए सेमिनल वेसिकल से डक्ट फिर प्रोस्टेट ग्लैंड फिर कॉपर ग्लैंड फिर यूरेथ्रा फिर ग्लैंस फेनिस और ग्लैंस फेनिस से डायरेक्ट आपका स्पर्म सीमेंट के थ्रू इजैक्युलेट हो जाएगा चलो सब लोग मुझे फटाफट फ़ड़ से एक हार्ट दे दो अगर सबको ये समझ में आया तो यस एवरीबडी यस चलो तो हमने ये पूरा डेवलपमेंट पढ़ लिया ये देखो गबरनेक्युलम मतलब क्या होता है आपका जो स्क्रोटम होता है स्क्रोटम के अंदर जब आपका टेस्टिस आता है तो इसके बीच में यहाँ पर एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बनता है फाइब्रोमस्कुलर बैंड इसको बोलते हैं गबरनेक्युलम जो हमारे स्क्रोटम को और टेस्टिस को पकड़ के रखता है कभी तो कभी गलती से अगर टेस्टिस के साथ आपका इंटेस्टाइन भी नीचे आ गया तो इसको हम बोलेंगे इंग्विनल हर्निया ये सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है ठीक है ओके एक्सेसरी डक्ट के बारे में भी हमने देख लिया इधर पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारा जो मेल का यूरेथ्रा होता है ये यूरिनो जेनाइटल डक्ट है क्यों इसको यूरिनो जेनाइटल डक्ट बोलते हैं क्योंकि यहीं से यूरिन भी पास होगा और यहीं से आपका स्पर्म भी पास होने वाला है दोनों चीजें एक ही डक्ट से पास होती है इसीलिए इसको यूरिनो जेनाइटल डक्ट बोलते हैं चलो फटाक से आंसर बताओ मुझे इस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी एक सवा घंटे में चैप्टर खत्म करना है फास्ट Yes, okay. located है? Scrotum में। चलो, next question. एक कितने lobules में एक कितने डिवाइड होता है जल्दी। One, two, three, four, five. एक 200 तो 300 lobules में में होता है, है? ठीक के बारे पढ़ो ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मैंने शॉर्ट में दिया है इसमें से एक एमसीक्यू आ सकता है सेमिनल वेसिकल टोटल सीमेंट में से सिक्सटी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है और इसके अंदर अल्कलाइन फ्लूड बनता है कौन सा कौन सा फ्लुइड आता है फ्रुक्टोज फाइब्रेनोजन प्रोस्टाग्लाइड फ्रुक्टोज स्पर्म को एनर्जी देगा स्विम करने के लिए क्योंकि स्पर्म इतने थक जाते हैं फिर फाइब्रिनोजेन हमारे स्पर्म को क्लॉट करता है उसको थिक बनाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन वजाइना में स्पर्म को अंदर की तरफ खींचने में हेल्प करता है यानी रिवर्स पेरिस्टालसिस करने में हेल्प करता है प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो ये एक सिंगल ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो ट्वेंटी टू थर्टी लोब से बनता है ये थर्टी परसेंट सीमेंट में कंट्रीब्यूट करता है और ये एसिडिक सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टेड ग्लैंड फ्लुड बनाता है कौन से कौन से एसिड बनते हैं ये एग्जाम्पल आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है सिट्रिक एसिड एसिड और एंजाइम आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में बनते हैं ये एसिड फॉस्पेटेज क्या करता है ये स्पॉर्म को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एसिडिक एनवायरमेंट ऑफ वजाइना क्योंकि वजाइना का पी एच अप्रोक्सीमेटली होता है ठीक है और लास्ट में बात करते हैं कॉपर्स ग्लैंड की तो कॉपर्स ग्लैंड दो होते हैं लेफ्ट और राइट पियोर पी शेप्ड ग्लैंड होते हैं छोटे छोटे से

उसमें भी कौन सा टिश्यू याद रखना है जो इरेक्टाइल टिश्यू है इरेक्टाइल टिश्यू कौन सा है कॉर्पोरा केवरनोसा केवर कॉर्पोरा केवरनोसा की के वजह से मेल का पीनस एनलार्ज हो जाता है ठीक है और ये जो इसका सोलन टिप है इस सोलन टिप को हम क्या बोलते हैं ग्लांस पेनिस इसमें से एक एमसी आ सकता है और इस सोलन टिप के ऊपर एक स्किन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं प्रफ्यूज और इनके बीच में से पास होता है आपका यूरेथ्रा जिसमें से यूरिन और सीमन ट्रैवल करता है यस चलो लास्ट में स्क्रोटम भी हमने देख लिया गबर नैक्युलम का फंक्शन फ्रिप्टोरकेडिजम का फंक्शन ओके अभी बताओ सेमिनल वेसिकल से कौन से हॉर्मोन्स बन रहे हैं जल्दी बताओ यस फास्ट कम ऑन क्विकली सेमिनल वेसिकल सेक्रेट्स फ्रुक्टोज हार्मोन नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लाइन से कौन सा एंजाइम आता है फिजिक्स का लेक्चर कल होगा सारे के सारे एमसीक्यू ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे है प्लीज चेक करो नागेश ऊपर के मैसेजेस चेक करो कल रात को ही सब भेजा गया है चलो इसका आंसर आएगा एसिड फॉस्फेटेस अब बात करते है, हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेवन ऑर्गन हैं जिसमें से ओवरीज दो होती हैं ओविडक्ट होते हैं वजाइना यूट्रस एक एक होता है जेनेटिलिया एक होता है वेस्टिबुलर ग्लैंड दो होती हैं मेमरी ग्लैंड दो होती है हर एक ग्लैंड का फंक्शन देखेंगे यहाँ पर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स का बताया गया है मैं आपको ओवरी के बारे में इन्फॉर्मेशन देती हूँ ठीक है सबसे पहली बात तो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है ओवरी ओवरी के अंदर क्या बनेगा फीमेल का गैमेट दैट इज एग फीमेल का गैमेट कौन सा होता है एग जैसे मेल का गैमेट होता है वैसे फीमेल का गैमेट होता है एग ठीक है तो ये जो ओवरी है ये ओवरी कैसी होती है एंडोडर्मल इन ओरिजिन एंडोडर्म यानी कि आपके एंडोडर्म के टिश्यू से बनती है अब इधर ध्यान दो आपको ना इधर पे अपना इमेजिनेशन पावर यूज करना है समझो कोई कोई को वुमन है ये वुमन प्रेग्नेंट है ठीक है और इसकी जो फीटस है वो फीमेल फीटस है ये वुमन जो प्रेग्नेंट है इसके पेट में जो बच्चा है वो फीमेल है और वो फ़ीटस थ्री मंथ्स की है ठीक है तो हम इस थ्री मंथ की फीटस को इमेजिन करेंगे कि ये जो थ्री मंथ की फीटस है इस फीटस के बॉडी में थ्री मंथ के स्टेज में ही इसका ओवरी डेवलप हो जाता है इसका ओवरी डेवलप हो जाता है ठीक है तो जब ये फीटस थ्री मंथ की होती है इसके ओवरी में कितने फॉलिकल्स होते हैं कितने सेल्स होते हैं मिलियन प्रिमोरियल फॉलिकल्स ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स क्या होते हैं वो मैं बताती हूँ ठीक है अभी इधर देखो ओवरी एंडोडर्मल ओरिजिन में यह आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है ओवरी में पांच हॉर्मोन्स बनते हैं यह आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है ईस्ट्रोजन से सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स एग्जिबिट होते हैं प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन होता है रिलैक्सिन आपका पार्चुरेशन हार्मोन है जो आपको डिलीवरी में हेल्प करेगा एक्टिव इन एफएसएच और एलएच बनाना स्टार्ट करता है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन रहता है और इनहिबिन हार्मोन एफएसएच को स्टॉप करता है जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन होती है ठीक है आपके ओवरी जो है ये जो अपना ओवरी है ये ओवरी दो रीजन में डिवाइडेड है इसके आउटर रीजन को बोलेंगे कॉर्टेक्स रीजन और बीच के रीजन को बोलेंगे स्ट्रोमा रीजन कॉर्टेक्स रीजन के पास जो जर्म सेल है ये जर्म सेल्स माइटोसिस करते हैं बहुत सारे सेल्स बनाते हैं और फिर जो एक हेल्दी सेल होता है ये मियोसिस करके आपका फीमेल गैमेट बनाएगा क्या बनाएगा ये मियोसिस करके फीमेल गैमेट बनाएगा यस एवरीबडी ठीक है और आपका जो स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है इस स्ट्रोमा में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं नर्व्स प्रेजेंट हैं और ये क्या करते हैं ये हमारे जो सेल्स है, मतलब है ये फीमेल गैमेट के बाहर बाहर एक्स्ट्रा लेयर ऐड करने का काम करेंगे ओके देखो इधर पे क्या बोला गया है हमको आपको क्या इमेजिन करना है प्लीज पे अटेंशन वन सेकेंड यस सी ये देखो समझो ये अपनी ओवरी है ये ओवरी के जो जर्मिनल सेल्स हैं ये जर्मिनल सेल्स क्या करते हैं ये माइटोसिस करते हैं क्या करते हैं माइटोसिस करते हैं और माइटोसिस करके बहुत सारे डुप्लीकेट सेल्स बनाते हैं अब ये सारे के सारे डुप्लीकेट सेल्स पूरी ओवरी में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं ये सारे सेल्स एक कॉर्नर में शिफ्ट हो जाते हैं और जहाँ पर ये शिफ्ट होते हैं ना वहाँ पे ये ऐसे बंडल बना बना के शिफ्ट होते हैं तो ये जो बंडल यहाँ पे कोने में आया है इस कॉर्नर को हम क्या बोलेंगे ये वाला जो कॉर्नर है जहाँ पे आपके ये सारे सेल्स शिफ्ट हो जाते हैं इसको बोलते हैं गोनाइडल रिच इसको हम क्या बोलते हैं गोनाइडल रिज ये गोनाडल रिज का मीनिंग बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता ठीक है तो आपके जो सेल्स कॉर्नर में शिफ्ट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं गोनाडल रिज और ये सारे सेल्स सिंगल सिंगल शिफ्ट नहीं हुए हैं ये कैसे शिफ्ट हुए हैं ग्रुप में शिफ्ट हुए हैं ठीक है तो ये समझो ये एक ग्रुप है इसके अंदर बहुत सारे सेल्स है ये दूसरा ग्रुप है इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं तो इनको हम बोलेंगे पी फ्लगर सेल्स क्या बोलेंगे इसको एग ट्यूब बोल सकते हो या एग नेस्ट बोल सकते हो या पी फ्लगर सेल बोल सकते हो एग ट्यूब एग नेस्ट या पी फ्लगर सेल्स तो आपके जितने भी सेल्स हैं ये सारे सेल्स माइग्रेट कर गए इन्होंने कोने में माइग्रेट हो गए और इन सेल्स को ही हम बोलते हैं उगोनिया इन सेल्स को ही हम क्या बोलेंगे ऊगोनिया ठीक है ग्रेन्यूलोसा सेल्स मेच्योर उगोनिया टू एग ट्यूब टू नेस्ट ओके तो अब ये जो ऊगोनिया है ये ऊगोनिया अपने अपने बंडल के अंदर क्लोज है ये क्या है अपने अपने बंडल के अंदर क्लोज है तो इन बंडल्स को हम बोलते हैं एगनेस्ट एग ट्यूब या पी फ्लगर सेल्स और इनको हम बोलते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल्स तो हमारी जो तीन महीने की फीटस है हमारी जो तीन महीने की फीटस है उस फीटस के पास कितने प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली ये देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली टू मिलियन प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं और जब ये फीटस थ्री मंथ्स की कंप्लीट हो जाती है तो उसके पास टू मिलियन प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं जैसे 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 ये फीटर्स बड़ी होगी तो ये जो टू मिलियन प्रीमोडियल फॉलिकल्स हैं ये मियोसिस करना स्टार्ट करते हैं क्या करना स्टार्ट करते हैं ये मियोसिस करना स्टार्ट करते हैं लेकिन इनका मियोसिस कंप्लीट नहीं होता इनका मियोसिस वन अटक जाता है किधर अटक जाता है प्रो फेज वन में प्रो फेज़ वन के कौन से फेज़ में अटक जाता है डिप्लोटीन फेज़ में प्रो फेज़ वन के कौन से फेज़ में अटक जाता है डिप्लोटीन फेज़ में ठीक है इधर तक समझ में आया तो अब देखो ये जो अपनी फीटस है ये कितने महीने की थी बच्चे लोग थ्री मंथ थ्री मंथ की थी थ्री मंथ की फ़ीटस के पास टू मिलियन प्रीमोडियल फॉलिकल है और उसका डिप्लोटीन फेज में मियोसिस अटक गया है ठीक है अब ये फीटस बड़ी होगी सिक्स मंथ्स की होगी फिर धीरे धीरे करके ये नाइन मंथ की होगी लेकिन जैसे जैसे इसकी बॉडी डेवलप हो रही है वैसे वैसे न्यूट्रिशन कम होते जा रहा है न्यूट्रिशन कम होते जा रहा है तो प्रीमोडियल फॉलिकल्स धीरे धीरे करके मरते जाते हैं और जब ये नाइन मंथ की होती है और जब ये पैदा होती है तो इस फीटस के पास इस ओवरी के पास सिर्फ और सिर्फ वन मिलियन प्रीमोडियल फॉलिकल्स बचते हैं अब टू मिलियन से वन मिलियन बचा पहले टू मिलियन था अब वन मिलियन बचा तो बीच में ये जो फीटस का डेथ हो गया इसको बोलते हैं एट्रेसिया एट्रेसिया मतलब क्या होता है लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रिमोडियल फॉलिकल तो आपके फीटस के पास कितने प्रीमोडियल फॉलिकल्स बचेंगे आपके फीटस के पास वन मिलियन प्रीमोडियल फॉलिकल्स बचेंगे जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी यस एवरीबडी ओके आगे क्या बताया गया है अब ये फ्यूट अब ये बच्ची पैदा हो गई है तो अब ये धीरे धीरे करके अडल्ट होगी एक साल दो साल तीन साल चार साल और जब तक ये प्यूबर्टी की एज तक पहुंचती है मतलब जब ये चौदह साल की होती है तब इसके ओवरी में कितने फॉलिकल्स बचते हैं सिक्सटी टू एट्टी थाउजेंड आपके बुक में अपडेट किया गया है तब इसके ओवरी में बचेंगे सिक्सटी टू एट्टी थाउजेंड प्रीमोडियल फॉलिकल्स एट द टाइम ऑफ़ प्यूबर्टी इधर तक सबको समझ में आया है सब लोग फटाफट से मुझे थम्स अप दे दो आपके सी एग्जाम में आपके नीट के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया ये एम क्वेश्चन है कि एट द टाइम ऑफ़ प्यूबर्टी कितना प्रीमोडियल फॉलिकल बचता है तो आप लिखोगे सिक्सटी टू एटी थाउजेंड क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में अपडेट किया गया है पुरानी टेक्स्ट बुक में अपडेट नहीं है बट आज के न्यू टेक्स्ट बुक में ये अपडेट किया गया है कितने प्रीमोडियल फॉलिकल्स बचते हैं सिक्सटी टू एटी थाउजेंड अब देखो अब क्या होगा ये सारे के सारे प्रिमोडियल फॉलिकल्स जो हैं ये मियोसिस वन में अटके हुए हैं तो जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होगा पीरियड आना स्टार्ट होगा इनका मियोसिस वन वापिस से स्टार्ट हो जाता है जो मियोसिस वन अरेस्ट हो गया था ये मियोसिस वन अरेस्ट हो गया था ना ये मियोसिस वन वापिस स्टार्ट हो जाएगा और ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स मेच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगे ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स मेच्योर होके क्या बनाएंगे आपका ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगे बट ये मैचुरेशन कैसे होता है ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो एक साल में कितने महीने होते हैं बारह महीने होते हैं ठीक है लेकिन एक मैंस्ट्रोल साइकिल ट्वेंटी एट डेज में आता है तो अगर मैं बारह महीने के बारह महीने में से तीन दो 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 दिन काउंट करूं क्योंकि एक महीना तीस दिन का होता है थर्टी वन डेज़ का थर्टी डेज़ का थर्टी वन डेज़ का तो हर महीने में से दो दिन तीन दिन दो दिन तीन दिन ऐसा बच जाता है तो एक मेन्स्ट्रल साइकिल ट्वेंटी एट डेज का है ठीक है और मैंने अगर हर महीने में से दो 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 दिन बचा दिया तो पूरा ट्वेंटी फोर डेज हो जाएंगे और एक एक दिन एक्स्ट्रा क्योंकि छः महीने तो थर्टी वन डेज के होते हैं सो तो टोटल थर्टी डेज का एक, एक एक्स्ट्रा महीना फॉर्म हो जाता है यस yes, तो भले ही एक साल में बारह महीने होते हैं बट फीमेल्स को बारह बार पीरियड्स नहीं आते हैं फीमेल्स को तेरह बार पीरियड आते हैं एक साल में कितने बार पीरियड आते हैं फीमेल्स को एक साल में तेरह बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ और सिर्फ एक प्रीमोडियल फॉलिकल मेचोर होके एग बनाता है तो तेरह मेंस्ट्रुअल साइकिल में तेरह एग बनेंगे तो एक साल में एक साल में तेरह एग बने ठीक है एक साल में तेरह एग्स बने फीमेल के पीरियड स्टार्ट कब होते हैं देखो फीमेल के पीरियड स्टार्ट जब होते हैं उसको बोलते हैं मेनार्क उसको हम क्या बोलते हैं मेनार्क ओके पीरियड स्टार्ट हुआ मेनार्क समझो थर्टीन ईयर्स की एज में पीरियड स्टार्ट हुआ समझो थर्टीन ईयर्स की एज में पीरियड स्टार्ट हुआ उसको बोलेंगे मेनार्क और 45 फाइव टू फिफ्टी फाइव के ईयर्स में पीरियड स्टॉप हो जाता है उसको बोलते हैं मीनो पॉज तो समझो कि 45 में से 13 निकाला 32 टू ईयर्स तक कंटिन्यू फीमेल को पीरियड्स आएंगे 32 टू फीमेल्स को पीरियड आएंगे ओके okay? तो एक साल में कितना एग बनाया फीमेल ने इधर देखो एक साल में हमने 13 एग्ज़ बनाया तो 32 टू ईयर्स तक कंटिन्यू पीरियड्स आने वाले हैं तो 32 टू ईयर्स इंटू तेरह कितना होगा 460 हंड्रेड एग्स मतलब अप्रोक्सीमेटली बत्तीस साल में छे साठ हजार में से कितना प्रीमोडियल फॉलिकल बचा था अपने पास इधर देखो अपने पास सिक्सटी थाउजेंड प्रीमोडियल फॉलिकल्स था इसमें से एक्चुअली में सिर्फ कितना एग बना ओनली फाइव हंड्रेड एग्स बना यानी कि एक्चुअली में सिर्फ फाइव हंड्रेड प्रीमोडियल फॉलिकल्स मेचोर हुए ये समझ में आया सबको येस yes, एवरीबडी जल्दी बताओ ये सबको समझ में आया बहुत सिंपल टर्म्स में मैंने एक्सप्लेन किया है ओके okay? तो जब जब फीमेल्स को पीरियड आएंगे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक प्रीमोडियल फॉलिकल मेच्योर होगा ग्राफियन फॉलिकल बनेगा तो ऐसे फीमेल्स को टोटल 416 हंड्रेड एग्स बनते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल मेच्योर होकर सेकेंडरी फॉलिकल बनाते हैं उनके अंदर एग डेवलपमेंट होता है और ये किसकी मदद से होता है ओवेरियन हार्मोन्स और एंटीट एंटीरियर पिट्यूटरी यानी गोनाइडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जी एन आर एच हार्मोन्स की मदद से होता है और बीच में जो स्ट्रोमा प्रेजेंट है तो स्ट्रोमा में से भी नरिशमेंट मिलते रहता है ठीक है फिर उसके बाद आपके जो सेकेंडरी फॉलिकल्स है ये भी बीच बीच में इस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट करते रहते हैं जिसके वजह से आपका ऊ साइड का डेवलपमेंट होते रहता है इंक्रीज डिस्ट्रोजन के वजह से आपका एल एच हॉर्मोन सिक्रिट होता है जिससे ओव्यूलेशन होता है ओव्यूलेशन के वजह से एग रिलीज होता है और साथ ही साथ ओवरी से इनहेबिन हार्मोन बनता है ये इनहेबिन हार्मोन एफ एस एच का प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है तो आपका नेक्स्ट एग तुरंत नहीं बनेगा वो चौदह दिन के बाद बनेगा तो आपका ओव्यूलेशन हुआ ओव्यूलेशन के बाद फोर्टीन डेज तक आपका एंडोमेट्रियम डेवलपमेंट होता है और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कॉर्पस एलबिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो इधर देखो आपको ये हार्मोनल लेवल समझ में आना चाहिए दो हार्मोन्स काम करते हैं ठीक है ब्रेन से एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका जी एन आर एच हॉर्मोन जो है दैट इज एफ एस एच एंड एल एच एफ एस एच हारमोन क्या करता है ये प्रीमोडियल फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल बनाता है और जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो आपका ओवरी जो है ओवरी इन ही बिन हॉर्मोन से करती है ताकि आपका एफएसएच बनना स्टॉप हो जाए क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल बन गया अब एक्स्ट्रा एफएसएच बना के क्या करेंगे और जैसे ही आपका एफएसएच बनना स्टॉप हो गया तो आपका एलएच बनना स्टार्ट हो जाता है और एलएच के वजह से ओव्यूलेशन होता है एग बाहर रिलीज हो जाता है येस yes, एवरीबडी तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हमने ये सारा कंटेंट कवर कर लिया चलो बताओ इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा फाइंड आउट दी ऑर्ड वन आउट अभी आंसर पहले ही दिख गया है ये सब फीमेल हार्मोन है ये वाला मेल हार्मोन है सो इज द राइट आंसर अभी देखो ओवेरियन हिस्टोलॉजी ऑफ अ फीमेल करते हैं बहुत सुंदर सा मैंने इधर फ्लो चार्ट बनाया है हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल है ये देखो ये अपनी ओवरी है आई ड्रॉ इट ओवर योर ये देखो ये अपनी ओवरी है ओवरी के पास इधर पे बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ठीक है समझो एक प्राइमरी फॉलिकल मैंने बनाई इस प्राइमरी फॉलिकल के पास ये बीच में जो स्ट्रोमा है मतलब बीच में जो अपना फूड और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है ये स्ट्रोमा की मदद से इसके बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर बनेगी तो आपका ये प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये देखो इसके बाहर थेका थेका मतलब क्या होता है सेल सेल का लेयर ऐड हो जाता है तो आपका प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ये आपका प्राइमरी फॉलिकल था इसके बाहर एक लेयर ऐड हो गई तो ये बन गया सेकेंडरी फॉलिकल अब सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद इनके पास इनकी ग्रोथ होती है और इनके ग्रैन्युलसा सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं यानी बाहर की जो लेयर है उनके सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं तो ये ग्रैन्युलसा सेल क्या करते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं और ईस्ट्रोजन के वजह से एफ एस बनता है और एफ एस एच वजह से आपका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो जाता है और हमारे ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल था ये देखो ये प्राइमरी फॉलिकल था ये सेकेंडरी फॉलिकल हुआ ये बनेगा आपका टर्शरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल कर बनते बनते देखो इधर पे आपका मियोसिस वन कंप्लीट होना स्टार्ट हुआ था इधर पे मियोसिस वन कंप्लीट हो जाता है और जैसे ही मियोसिस वन कंप्लीट हुआ टर्शरी फॉलिकल बन गया मियोसिस वन कंप्लीट हो गया तो आपको मिलता है एक सेकेंडरी ऊसाइड और एक पोलार बॉडी अब ये पोलार बॉडी तो वेस्ट हो जाएगा ये जो सेकेंडरी साइट है ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है किसके अंदर प्रेजेंट है ग्राफियन फॉलिकल यानी कि ऐसे बड़ा सा ग्राफियन फॉलिकल है उसके अंदर आपका ये सेकेंडरी साइट प्रेजेंट है अब ये सेकेंडरी ऊ साइट आपका एकदम लास्ट में आ जाता है तो आपका ग्राफियन फॉलिकल बनता है ग्राफियन फॉलिकल सबसे बड़ा होता है इसके पास सबसे ज्यादा लेयर्स होती है अब इधर पे आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है देखो ये लेक्चर सिर्फ उन बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने ये चैप्टर पहले डिटेल में पढ़ा है इसको ही वन शॉट बोलते हैं अगर आपको डिटेल वाला लेक्चर देखना है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिटेल वाला लेक्चर देखो अब इधर एक चीज आपको क्या याद रखनी है कि जब आपका प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बना सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी बना टर्शरी से आपका ग्राफियन फॉलिकल बना तो ये सारे फॉलिकल्स ओवरी में आगे आगे शिफ्ट होते जा रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल था यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल आया यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल आया यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल आया तो ओवरी में सारे के सारे फॉलिकल्स क्या होते जाते शिफ्ट होते जाते हैं और लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल इधर पे कॉर्नर में आके एकदम चिपक जाता है इसको बोलते हैं ब्लिस्टर्ड अपियरेंस और ये ग्राफियन फॉलिकल एल एच हॉर्मोन की वजह से बर्स्ट हो जाता है और इसका जो ऊ साइट है वो बाहर रिलीज हो जाता है ठीक है सो आपका ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाएगा और बर्स्ट होके इसमें से ओव्यूलेशन होगा ओव्यूलेशन होने के बाद जो अब देखो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी ऊसाइट था सेकेंडरी ऊसाइट हमने बाहर निकाल दिया तो अब ग्राफियन फॉलि ये सेकेंडरी ऊसाइट बाहर आ गया अब ग्राफियन फॉलिकल खाली बच गया तो ये खाली ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बनाता है जिससे आपका प्रेगनेंसी मेंटेन होता है जिससे क्या होता है प्रेगनेंसी मेंटेन होता है लेकिन समझो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये प्रो, प्रोजेस्टेरोन जो है ये ड्राई हो जाएगा और फिर उस ड्राई स्ट्रक्चर को बोलेंगे कॉर्पस और तो ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर रप्चर हो जाएगा चलो ये, ओ, ये था आपका पूरा का पूरा हिस्टोलॉजी ऑफ ऊसाइट सबको समझ में आया अब बारी आती है स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल की ये देखो आपका जो ओवरी है इधर देखो बच्चा लोग ये जो ग्राफियन फॉलिकल है अब हम इसका स्ट्रक्चर ये देखो ये प्राइमरी फॉलिकल ये सेकेंडरी फॉलिकल ये टर्शरी फॉलिकल और ये ग्राफियन फॉलिकल इसके अंदर सेकेंडरी उइट है ये सेकेंडरी उइट बाहर आ गया तो देखो से ग्राफियन फॉलिकल का मियोसिस वन कंप्लीट हो गया ना तो आपको मिला एक सेकेंडरी उइाइट और एक पोलार बॉडी पोलार बॉडी वेस्ट हो जाती है बट सेकेंडरी उट जो है ये मीओसिस टू में एंटर करता है बट मीओसिस टू में एंटर करके ये मेटाफेज टू में स्टॉप हो जाता है फिर से स्टॉप हो जाता है ये क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल्स नहीं है फीमेल के पास सेंट्रियोल्स नहीं होते इसीलिए मेटाफेज टू में ये फिर से स्टॉप हो जाता है ओके तो अभी हम ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं देखो ये अपने ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है तो इसके बारे में क्या क्या बताया गया हमको इतना मेहनत से मैंने चार्ट बनाया चार्ट आपको कोई देगा नहीं सो तो प्लीज इसको नोट डाउन करो ओके ग्राफियन फॉलिकल का जो स्ट्रक्चर है हमारे जो स्ट्रोमा में सेल्स थे ओवरी के बीच बीच में ये जो स्ट्रोमा के सेल्स हैं ये प्रिमोडियल फॉलिकल्स के पास लेयर ऐड करते हैं जिसके वजह से आपका सेकेंडरी फॉलिकल बनता है आउटर लेयर को बोलेंगे थेका एक्सटर्ना इनर लेयर को बोलेंगे थेका इंटरना थेका इंटरना क्या करता है ये इस्ट्रोजन बनाता है और थेका एक्सटर्ना क्या करता है ये प्रोटेक्शन देता है ये ईस्ट्रोजन के वजह से आपका एक्स्ट्रा लेयर बनते जाता है और एक्स्ट्रा लेयर की वजह से आपका जो ग्राफियन फॉलिकल है वो मेच्योर हो जाता है

प्रोटेक्टिव सेल्स क्या बोलेंगे इनको हम दीज आर योर प्रोटेक्टिंग सेल्स जो कैसे अटैच्ड होते हैं जो हालुरोनिक एसिड की मदद से चिपके हुए होते हैं कोरोना रेडिएटा सेल्स के अंदर जोना पेल्यूसिडा की लेयर प्रेजेंट होती है ये जोना पेलुसिडा लेयर क्या करती है कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने में हेल्प करती है कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने में हेल्प करती है ठीक है अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है ये जोना पेलुसिडा लेयर जो है ये असेल्युलर मेम्ब्रेन है अल्युलर मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है ये किसी सेल से नहीं बना है ये आपके शुगर से बना है इट इज गाइकोपोलीसाइक्राइड या म्यूकोपोलीसाइक्राइड का मेम्ब्रेन है इट इज मेडअप ऑफ शुगर इट इज नॉट मेडअप ऑफ सेल ये कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं क्योंकि इनके पास जेड पी टू जेड पी थ्री का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है क्या प्रेजेंट होता है जेड पी टू एंड जेड पी थ्री का अनुज शिंदे बकवास कमेंट कर रहे हैं फिर कमेंट डिलीट कर रहे हैं कमेंट कर रहा है फिर कमेंट डिलीट कर रहा है इतना तेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो जाके कम से कम अपनी नींद पूरी कर ले क्यों बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहा है इधर पे कमेंट करके है ना तुम लोग ऐसे अल्टे फलते कमेंट करोगे ना तो मैं अब भी लेक्चर स्टॉप कर दूंगी और जितने भी आगे के मॉक टेस्ट होने वाले हैं और जितने भी वन शॉट लेक्चर होने वाले सब कैंसिल कर दूंगी अब भी के अब भी अगर इधर पे तुम लोग ने हगनाज बंद नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में टट्टी मचा के रखी है ओके सो कोरोना रेडिएटा सेल के अंदर जोना पेलुसिडा का लेयर होता है जोना पेलुसिडा के ऊपर ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पर्म के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं और ये जोना पेलुसिडा का मेंब्रेन कैसे बनता है ये जोना पेलुसिडा का मेंब्रेन बनता है वाइटेलिन मेंबरेन से और वाइटेलिन मेंब्रेन किधर पे प्रेजेंट होती है आपके ऊ साइड के जस्ट बाहर वाइटेलिन मेंब्रेन से ही आपका जोना पेलुसिडा बनता है और वाइटेलिन मेंबरेन से चिपक के आपका अंदर ऊ साइड प्रेजेंट है और ये ऊ साइड सेंटर में प्रेजेंट नहीं है ये ओ साइड किधर प्रेजेंट है ये कॉर्नर में प्रेजेंट है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं ई सेंट्रिक न्यूक्लियस इसको क्या बोलते हैं ई सेंट्रिक यानी सेंटर से दूर हो जाना और बीच में जो स्पेस बचा है सेंटर में ये सेंटर में आपका लिक्विड सेल्स भर जाता है और वो उन वो सेल्स को क्या बोलते हैं लिक्कर फॉलिकुलाए और उस कैविटी को क्या बोलते हैं हम एंट्रम कैविटी क्या बोलते हैं उस कैविटी को हम एंट्रम कैविटी इज दिस क्लियर एवरीबडी यस चलो अब आगे आपको ओविडक्ट के बारे में बताया गया ओविडक्ट के तीन पार्ट्स होते हैं एक होता है आपका इन्फंडी एक होता है एम्प्यूला और एक होता है आपका इस्थमस वाला रीजन देखो इन्फंडी के पास फिम्बरी होते हैं आपका जो इधर पे ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हुआ और इसमें से सेकेंडरी ऊ रिलीज हुआ यह आपके फिम्बरिय से अंदर जाएगा ऊ इज नॉट मोटाइल ये मोटाइल नहीं होता इसीलिए ये ग्राफियन फॉलिकल डायरेक्ट अपना ऊ ये जो होल है ना इस होल को बोलते हैं ऑस्टियम की मदद से आपका ऊ साइट अंदर आता है आपका पूरा फेलोपियन ट्यूब सीलिएटेड एपीथिलियम से बना है हेयर लाइक स्ट्रक्चर वजह से ये ऊ सा आगे जाएगा ये यानी कनेक्टिंग वाला रीजन है है ठीक ओके और फिर इनिबुल साइट आगे 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 जाएगा और इधर पे आपका स्पर्म आके इसका फर्टिलाइजेशन करता है तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है एम्प्यूला को हम बोलते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म और एग का बाइंडिंग होता है आपके एम्प्यूला वाले रीजन में और फिर ये है आपका इस्थमस वाला रीजन जहाँ पे आपका एम्ब्रियो का एंट्री होता है यानी यूट्रस में एंट्री करने से पहले एम्ब्रियो इस्थमस में पूरा डेवलपमेंट करते हैं फिर बाद में आगे जाके वो अपने फंडस वाले रीजन में एंट्री लेते हैं ये क्वेश्चन नीट में भी आया है ये क्वेश्चन आपके एम में भी आया है इस्थमस को हम कॉर्नुआ बोलते हैं जहाँ से आपका यूट्रस स्टार्ट होता है यूट्रस के बारे में भी आपको बताया गया है यूट्रस को हम वूम बोलते हैं जहाँ पे आपका बेबी इम्प्लांट होता है तो यूट्रस तीन लेयर से बनता है आउटर लेयर को बोलेंगे पेरीमेट्रियम ये जो सबसे बाहर की लेयर है इसको बोलेंगे पेरीमेट्रियम उसके अंदर होता है एंडोमेट्रियम और सबसे अंदर होता है मायोमेट्रियम सॉरी सेकेंड लेयर होता है मायोमेट्रियम और थर्ड होता है एंडोमेट्रियम तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पेरीमेट्रियम का फंक्शन होता है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर मायोमेट्रियम स्मूथ मसल से बनता है इसका फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड डिलीवरी और एंडोमेट्रियम uh, सबसे अंदर प्रेजेंट होती है इसके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स और हार्मोनल पाथवेज होते हैं जिसकी वजह से यह फीटस को नरिशमेंट देती है तो एंडोमेट्रियम लेयर का, का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना चलो सबको इधर तक समझ में आया यूटरस कैंसर की अगर बात करें तो ये फीमेल्स में हो सकता है मेल्स में होगा नहीं क्योंकि मेल्स में यूटरस नहीं होता है ठीक है ये yes. तो इसके सिम्टम्स क्या है यूटरस कैंसर के सिम्टम्स क्या एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी अचानक से पीरियड्स आ जाएंगे एट्सेट्रा एट्सेट्रा इसका प्रॉपर डिटेक्शन करके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं समझो अगर यूटरस कैंसर हुआ तो यूटरस रिमूव करना पड़ेगा और यह आपका एम क्वेश्चन है यूटरस रिमूवल को क्या बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी यूटरस रिमूवल को हम क्या बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी फिर आता है अपना वजाइना वाला पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो वजाइना जो है इसको हम बोलते हैं बर्थ कैनाल इट इज़ नोन एज एंड इट इज़ नोन एज बर्थ कैनाल ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि बेबी किधर से बाहर आता है बेबी आपके बर्थ केनाल वजाइना से बाहर आता है आफ्टर ड्यूरिंग पार्चुरेशन ठीक है और वजाइना के ऊपर एक म्यूकस मेम्रेन प्रेजेंट रहती है जिसको हम बोलते हैं हाइमेन हाइमिन जो है ये बहुत सारे लोग वर्जिनिटी टेस्ट करने के लिए अभी यूज़ uh, करते हैं कि जिसका हाइमिन है वो वर्जिन है जिसका हाइमन नहीं है जिसका हाइमन ब्रेक हो गया है वो वर्जिन नहीं है बट ऐसा नहीं होता है हाइमन बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से भी ब्रेक हो जाता है ठीक है एक्सटर्नल जेनेटिलिया की अगर बात करें तो फीमेल का जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल वजाइना के बाहर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं वेस्टिब्यूल ये देखो ये अपना वेस्टिब्यूल वाला रीजन है क्लिटोरिस मेल के पेनिस जैसा है जो कॉर्पोरा केवरनोसा टिश्यू से बना है कल ही हमने इसका एक एमसीक्यू देखा था ये इरेक्टाइल टिश्यू है जिससे फीमेल का सेक्सुअल प्लेजर ओरिएंट होता है फिर उसके बाद ये जो लेबिया माइनोरा है ये लेबिया माइनोरा आपके इनर लिप्स के जैसे काम करते हैं और वजाइना को प्रोटेक्शन देते हैं ये लेबिया माइजोरा अपर लिप्स के जैसे काम करते हैं और पूरे के पूरे वजाइना को प्रोटेक्ट करते हैं अंदर ये जो वजाइनल होल है यहाँ से आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और आपका फीटस बाहर आता है ठीक है और इसके ऊपर ये आपका मस्कुलर ऐसे हाइमन का एक लेयर प्रेजेंट होता है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ब्रेक हो जाता है जिसके वजह से ब्लीडिंग होती है फीमेल्स के पास सुसु के लिए अलग ओपनिंग होती है और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अलग होती है मेल्स का यूरिनोजेनाइटल डक्ट है बट फीमेल्स का नहीं है पीरियड्स के टाइम पे हाइमन ब्रेक नहीं होता है क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे आपका ब्लड नॉर्मली फ्लूड के फॉर्म में बाहर आता है ठीक है तो ये देखो ये यूरेथ्रल है इधर से सुसु बाहर आएगी और इधर से आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड और आपका फीटस बाहर आएगा बच्चा पैदा होगा ठीक है एनस से आपका पॉटी निकलता है और ये अपर रीजन जो है जो इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस जहाँ पे आपको केरेटेनाइज प्रोटीन दिख रही है जिसकी वजह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और ये हेयर क्या करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं तो दिस इज अबाउट एक्सटर्नल जेनेटीरिया इसके अलावा वजाइना के अंदर के साइड में दो ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं और ये क्या सेक्रेट करती हैं आपका ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सेक्रेट करती है सो एक्सेसरी ग्लैंड या वेस्टिबुलर ग्लैंड इट इज अ पेयर ऑफ ग्लैंड विच इज होमोलोगस टू बल्बो यूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड मेल्स में जैसे कॉपर्स ग्लैंड होता है वैसे फीमेल में बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू होमोलोगस ऑर्गन पूछ सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये क्या सेक्रेट करते हैं दे सेक्रेट लुब्रिकेटिंग फ्लूइड इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबडी येस फिर आता है मैमरी ग्लैंड यस ओके चलो तो मेमोरी ग्लैंड क्या होते हैं ये बेटा स्वेट ग्लैंड होते हैं दीज आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड ये एक एमसीक्यू पूछा गया था हाँ मैमरी ग्लैंड कैसे बनते हैं ये स्वेट ग्लैंड से बनते हैं तो दीज आर अवर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड जो टोरल रीजन में प्रेजेंट है शोल्डर रीजन में प्रेजेंट है टू से लेके सिक्स रिप तक ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है ठीक है ये प्यूबर्टी के टाइम पे डेवलप होते हैं विद द हेल्प ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन लेकिन मेमोरी ग्लैंड्स में लेकिन मेमरी ग्लैंड में हॉर्मोन ये अपना मिल्क कब प्रोड्यूस होता है ओनली आफ्टर पार्चुरेशन देखो प्रोड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बट इजेक्ट कब होता है मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग जेस्टेशन मिल्क बनना स्टार्ट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बट सेक्रीशन कब होता है जब बच्चे का डिलीवरी हो जाता है और ये प्रोडक्शन कौन से हार्मोन के वजह से होता है पार्चुरेशन प्रोलैक्टिन के वजह से और सेक्रीशन किसके वजह से होता है ऑक्सीटोसिन के वजह से याद रखो प्रोलैक्टिंग हार्मोन मिल्क बनाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क एजेक्ट करता है मैमरी ग्लैंड के पास दो टाइप के ये होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं एक फैटी टिश्यू एक लैक्टिफेरस डक्ट फैटी टिश्यूज़ जो है ये पूरा मिल्क कलेक्ट करता है और ये सारे डक्ट्स मिल के लैक्टिफेरस डक्ट बनाते हैं जो निपल के पास ब्लैक कलर का रीजन होता है एरियोला यहाँ पे ये सारे टिश्यूज़ ओपन हो जाते हैं और निपल से आपका मिल्क बाहर इजेक्ट हो जाता है जिसके बच्चे को फीड किया जाता है ठीक है ऑल राइट आगे देखो क्या बताया है? प्यूबर्टी बताया गया है तो मेल और फीमेल का प्यूबर्टी 12 से 15 साल के बीच में यानी 13 साल में स्टार्ट होती है ओके चलो बताओ बर्थ के टाइम पे फीमेल के पास कितना प्रीमोडियल फॉलिकल्स बचता है अच्छा इसमें 60000 आएगा करेक्शन किया है सो तो आंसर क्या आएगा बी अरे सॉरी 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 आंसर आएगा ए क्योंकि बर्थ बोला ना एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर इधर बर्थ की जगह प्यूबर्टी बोला होता तो बी आता 60 के टी के लिए भी बर्थ के लिए वन मिलियन ठीक है चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आते हैं फटाक से फटाक से मैं आपको शॉर्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल बताती हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बेसिकली चार फेजेस होते हैं पहला फेज होता है मेंसेस जहाँ पर ब्लीडिंग होती है ये जब ब्लीडिंग हो रही है तो ये ब्लीडिंग किसकी वजह से होती है येस yes, क्योंकि आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियम हमने बना के रखा था वो एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियम बाहर निकल जाएगा और एक एंडोमेट्रियम बाहर आ जाएगा तो एंडोमेट्रियम को डेवलप करने के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी से बनना स्टार्ट होता है और उसी टाइम पे आपके ओवरी में यहाँ पे जो प्रीमोडियल फॉलिकल है ये प्रीमोडियल फॉलिकल मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है एफएसएच हार्मोन के वजह से तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन से दो जी एन आर एच हॉर्मोन्स इन्वॉल्व एफ एस एच एंड एल एच और कौन से ओवेरियन हार्मोन्स इन्वॉल्व है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन ये आपको एम सी क्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो एफ एस एच की वजह से आपका प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हो रहा है सेकेंडरी फॉलिकल बना रहा है सेकेंडरी फॉलिकल ईस्ट्रोजन हार्मोन और सेक्रीट कर रहा है जिसके वजह से एंडोमेट्रियम जल्दी जल्दी डेवलप हो रही है और आपका प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल बना रहा है और टर्शरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बना रहा है ग्राफियन फॉलिकल से ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है ये सेकेंडरी उइाइड बाहर आ जाता है ये कैसा होता है हेप्लॉइड होता है सेकेंडरी ऊसाइड इज हेप्लॉइड इन नेचर जो आपके ग्राफियन फॉलिकल से बर्स्ट हो जाता है लेकिन ये कब बर्स्ट होता है जब आपका एफ एस एच का हॉर्मोन लेवल ड्रॉप हो जाता है और आपका एल एच हॉर्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होता है और उइड बाहर आ जाता है और ये सडन इंक्रीज इन एस्ट्रोजन की वजह से होता है फिर धीरे धीरे करके आपका एल भी कम होते जाता है एस्ट्रोजन भी कम होते जाता है और आपका प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बनना स्टार्ट करता है क्योंकि जैसे ही एग रिलीज हुआ है वैसे ही क्या अज्यूम किया जाता है कि अब स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन करेगा और जायगोड बनाएगा तो जयगोट बनेगा तो उसको खाना देना पड़ेगा खाना मतलब एंडोमेट्रियम तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बनना स्टार्ट होता है और ये जयगोट के लिए एंडोमेट्रियम डेवलप करना स्टार्ट कर देता है ये प्रोजेस्ट्रॉन किधर से बनता है जो ये ग्राफियन फॉलिकल बचा हुआ है ये येल्लो कलर का हो जाता है इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम

देखो ये आपके फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल से उस साइड रिलीज हुआ स्पर्म आया फर्टिलाइजेशन हुआ जयगोड बना माइटोसिस किया एम्ब्रियो बना ओके ऑल राइट हाँ इधर एक चीज बताई गई है कि आपके प्रोजेस्ट्रॉन के साथ साथ आपकी ओवरी में एच हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है एच हार्मोन क्या इंडिकेट करता है बच्चा कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है तो एच हार्मोन जो है कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ को ये कर देता है एक्सटेंड कर देता है जिसकी वजह से प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन कंटिन्यू बनते रहता है और जिसकी वजह से यूरिन में अगर एचसीजी हार्मोन मिला यानी कि फीमेल कंफर्म प्रेग्नेंट है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा ओके ऑल राइट मेंस्ट्रल ब्लीडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डैश ऑफ द अन एग जब आपका एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं यस जल्दी बताओ फास्ट कम ऑन मैन्स्ट्रोल ब्लीडिंग इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट इट इज कॉल्ड एज फ्यूनरल ऑफ दी अनफर्टिलाइज्ड एग क्या बोलते हैं इसको हम फ्यूनरल ऑफ दी अनफर्टिलाइज्ड एग अब इसके नीचे अपना आता है गेमेटोजेनेसिस वाला कॉन्सेप्ट तो गेमेटोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट में देखो हमको क्या बताया गया है दो टाइप के गैमेट डेवलपमेंट हम देखते हैं एक फर्मेटोजेनेसिस और एक फीमेल का स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पहले ही देखा कि हमारे पास जो जर्म सेल्स है होते, करके ग्रोथ में एंटर करते हैं इधर पे आपको एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अच्छे से ध्यान देना ठीक है ये वाला डायग्राम देखो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है एमसीक्यू क्वेश्चन बता रही हूँ मैम ठीक है एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलता है ये डिप्लॉयड है ये येड है और एक सेकेंडरी स्परमेटो से आपको दो स्पर्मेटेड मिलता है ठीक है अगर प्राइमरी स्परमेटो से पूछा तो एक प्राइमरी परमेटो से चार स्पर्म बनेंगे बट अगर सेकेंडरी परमेटो से पूछा तो एक सेकेंडरी परमेटो से दो स्पर्म बनेंगे तो आपको ये याद रखना है एक प्राइमरी परमेटो से दो सेकेंडरी परमेटो मिला यानी कि चार स्पर्म मिला और एक सेकेंडरी स्परमेटो से दो स्पर्मेटेड मिला यानी कि दो स्पर्म मिला तो ये आपको कैलकुलेशन याद रखना है इसके अलावा हमको क्या बताया गया है जब आपका मियोसिस वन कम्प्लीट होता है मियोसिस टू कम्प्लीट होता है तो स्पर्माइटेड मिलता है ये स्पर्माटेड कम्पलीटली डेवलप नहीं होता है ये डेवलपमेंट के लिए नर्स सेल्स के पास जाता है सरटोली सेल्स के पास जाता है और जब उसका डेवलपमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस क्या बोलते हैं उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद आपका जो स्पर्म है वो नर्स सेल से अपना मुंडी निकाल लेता है और टेल डेवलप कर लेता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस बनाने के प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और आपका स्पर्मेटेड से जब स्पर्म बनेगा तो इसको बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस जो नर्स सेल्स के पास जाके होता है ठीक है ओके तो ये देखो आपके हाइपोथैलेमस से आपके हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच हार्मोन सेक्रेट हुआ जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी से एफ और एल हार्मोन बना एफ हार्मोन सर्टोली सेल्स के पास जाके आपका स्पर्मेटोजेनेसिस करता है स्पर्मेटोजेनेसिस की वजह से स्पर्म बनता है स्पर्म बहुत ज्यादा अगर बन गए तो ये आपके एफ एस एच हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक भेजेगा कि अभी बस करो बहुत सारे स्पर्म्स बन गए हैं ठीक है और आपका एलएच हार्मोन क्या करता है लेडिक सेल्स को एक्टिवेट करता है जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी अगर बहुत ज्यादा बन गया तो ये भी नेगेटिव फीडबैक भेजता है आपके हाइपोथेलमस को कि बस करो बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन गया है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्स मेंटेन होता है सेक्स ड्राइव मेंटेन होता है बोन की ग्रोथ होती है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता है सो so ये सारे फंक्शंस है हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के ओके ऑल राइट right, अभी देखो एक सिंगल स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि आपका जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो है यस yes. आपके स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया रीजन में कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है हेलिकल फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया कौन से फॉर्म फॉर्म में प्रेजेंट है हेलिकन फॉर्म में यह आपको एमसीक्यू के लिए पूछा जाता है और आपका जो एक्रोजोम है यह एक्रोजोम किससे बना ये बना गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसका काम क्या होता है ये आगे जाके फ़ीमेल के एग के अंदर घुसने में हेल्प करेगा आगे जाके फीमेल एग के अंदर घुसने में हेल्प करेगा ठीक है और माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस के बीच में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है ये सेंट्रियोल हमारे ऊ साइड का जो मियोसिस टू अटक गया था ना वो मियोसिस टू कंप्लीट करने में हेल्प करता है ये सेंट्रियोल सो इस दिस क्लियर इसके अलावा हमारे स्पर्म के ऊपर एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स होते हैं ये एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स आपके फीमेल के और जोना पेलुसिडा के प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं समझो ये अपना स्पर्म आया इसके पास ऐसा कोई प्रोटीन है और ये अपना एग है इस एग के पास ऐसा कोई रिसेप्टर है ये दोनों रिसेप्टर अगर मैच हुआ लॉक एंड की के जैसा तो ही आपको आ, क्या देखने को मिलेगा जब ये मैच होगा तो ही कंपैटिबिलिटी रिएक्शन होगी और आपका फ्यूजन सक्सेसफुल होगा यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल होगा ठीक है ओके हाँ इधर देखो स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया को हम और एक चीज़ बोलते हैं दैट इज नेबनकन तो ये भी नाम आपके इसमें आ जाता है किस में एम सी क्वेश्चन में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है स्विम करने के लिए ठीक है चलो एक्रोसोम किससे बना है फटाक से बताओ जल्दी जल्दी कमॉन 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 मेरा गला कंटिन्यू बोल रही हूँ मैं मेरा गला नहीं दुख रहा है तुम लोग फटाफट टाइप करो चलो आधा चैप्टर हो गया अपना पूर्वा सूर्यवंशी बेटा मुझे पता है कल का लेक्चर मस्त था लेकिन वैसा लेक्चर रोज नहीं ले सकते क्योंकि उतना 100 100 एमसीक्यू बनाने के लिए भी बहुत टाइम जाता है कृष सोनावणे बेटा आज शाम को आपके लिए एक इंपॉर्टेंट छः बजे वीडियो आने वाली है जिसमें 2023 के बैच के बारे में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ओके okay? यस yes. Right. So, राइट एक्रोजोम की ओवरी है यहां पे primordial follicle है, primordial follicle, primary follicle बनेगा, मतलब इसको ऊगोनिया बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल के अंदर आपका ऊसाइट है प्राइमरी उन कंप्लीट हो गया अब ये बना ग्राफियन फॉलिकल तो इसके अंदर आपका म्योसिस वन कंप्लीट हो जाता है और आपको मिलता है एक सेकेंडरी ऊसाइट और एक पोलार बॉडी तो ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो ये है आपका सेकेंडरी ऊसाइट ये है पोलार बॉडी दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम है लेकिन इसके पास फूड ज़्यादा है और इसके पास फूड कम है ठीक है क्रोमोसोम्स इक्वल है बट फूड ज्यादा है इसके पास और इसके पास फूड कम है ये पोलार बॉडी आगे जाकर डिस हो जाता है डिजॉल्व हो जाता है बट आपका सेकेंडरी बॉडी बो, जो जो है सेकेंडरी जो है है सेकेंडरी ये मियोसिस मियोसिस में अटक गया इसका मियोसिस टू कब कंप्लीट होगा जब स्पर्म आएगा अपना सेंट्रीओल देगा तब इसका मियोसिस टू कंप्लीट होगा तो तब तक आपका सेकेंडरी यूसाइट इनकम्प्लीट रहता है सो दिस इज हाउ फीमेल का ऊजेनेसिस टेक्स प्लेस तो फीमेल का मियोसिस कब कंप्लीट होता है ओनली ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन आपका ओवर मैच्योर होता है और आपका जायगोट बनता है सो इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी सेम सेम हार्मोनल कंट्रोल है सब कुछ सेम है ये देखो ये सेकेंडरी ऊसाइट के स्ट्रक्चर के बारे में बताया ये अपना न्यूक्लियस है ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं बाहर ठीक है ये ज़ोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन है ये अंदर प्री वायटेलिन मेंब्रेन है और प्री वायटेलिन मेंब्रेन के अंदर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं ठीक है ठीके? ओके okay, तो इधर देखो सेकेंडरी ऊसाइड का स्ट्रक्चर हमको दिखाया गया है सेकेंडरी ऊसाइड के स्ट्रक्चर में क्या बताया फटाफट से देखना सबसे पहले बाहर का लेयर है कोरोना रेडिएटा कोरोना रेडिएटा प्रोटेक्शन देता है और ये हेलोरोनिक एसिड की मदद से चिपका हुआ है किसकी मदद से चिपका है हेलोरोनिक एसिड की मदद से आपका ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है ये सेकेंडरी ऊसाइट का मियोसिस टू इनकम्प्लीट है इसलिए इसको बोलेंगे जर्मिनल वेसिकल जब इसका मियोसिस टू कम्प्लीट हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे प्रो न्यूक्लिया क्या बोलेंगे ये प्रो हो गया है तो इसको बोलेंगे प्रो न्यूक्य ठीक है दैट विल हैपन ओनली ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन कोरोना रेडिएटा के अंदर आपको ये जो लेयर दिखाई दे रही है ये है जोना पेल्यूसिडा की लेयर जिसके ऊपर ऐसे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जोना पेलुसिडा किससे बनी है वाइटलिन मेम्रेन से ये देखो ये ऐसी इधर पे अंदर एक मेम्ब्रेन होती है तो इधर आपका जोना पेलुसिडा ये वाइटलिन मेम्रेन रहता है वाइटलिन मेंबरेन से जोना पेलुसिडा बनता है दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको बोलेंगे पेरीवाइटलिन स्पेस और पेरीवाइटलिन स्पेस में आपको इधर पे पोलार बॉडी देखने को मिल रही है ये पोलार बॉडी के वजह से ना आपका जो ऊसाइट होता है उसके दो पोल्स बन जाते हैं एक एनिमल पोल और एक वेजिटल पोल इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है बट इसका एक सिंपल सा फायदा ये है कि एनिमल पोल के पास से स्पर्म्स जो हैं वो जल्दी अंदर आते हैं तो आपका जो पोलार बॉडी है वो सिर्फ स्पर्म को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करता है लेकिन अगर पोलार बॉडी पहले ही डिजनरेट हो गया तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यस yes, एवरीबॉडी तो आप देखो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे सबसे पहले हमने स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंट्रोड्यूस किया उसके बाद अब अपना स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आ तो गया है समझो ये अपने फीमेल का वजाना है यहाँ पे आपके स्पर्म प्रेजेंट है बट अब ये स्पर्म किधर जाए उसको कन्फ्यूजन है तो आपके समझो एग इधर पे है लेफ्ट साइड में है तो स्पर्म को कहाँ जाना चाहिए ये स्पर्म कंफ्यूज हो गया है तो स्पर्म को आगे जाने के लिए पहले तो उसको एनर्जी चाहिए एनर्जी के लिए क्योंकि फीमेल का वजाइना जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है ठीक है तो स्पर्म को इधर पे सरवाइव करना है सर्वाइवल के लिए उसका कैपेसिटेशन करना पड़ता है कैपेसिटेशन यानी कि हम स्पर्म को एक्टिवेट करते हैं उसको ढेर सारा कैल्शियम आयंस प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारे स्पर्म की टेल की मूवमेंट टिंग uh, मूवमेंट से विप्लैश मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाती है मतलब पहले अपना स्पर्म ऐसे ऐसे स्विम करता है लेकिन उसका कैपेसिटेशन होने के बाद वो स्पर्म ऐसे जब -जुब -जब -जुब करके स्विम करता है ये देखो ये अंड्यूलेटिंग मूवमेंट है ये विप्लैश मूवमेंट है तो ये करने के लिए हमको कैल्शियम आयंस देना पड़ा तो सेकंड स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म ये सब किधर होता है यूटरस और वजाइना वाले रीजन में ये प्रोसेस करने के लिए चार से पांच घंटा लगता है उसके बाद स्पर्म का टेल विप्लैश मूवमेंट करता है ठीक है स्पर्म की एवरेज स्पीड कितनी होती है देखो इधर स्पर्म की एवरेज स्पीड होती है 1.5 टू 3.0 पॉइंट जीरो पर मिनट ये एम क्वेश्चन है लेकिन कैपेसिटेशन करने के बाद आपका स्पर्म पाँच मिनट में एम्प्यूला रीजन तक पहुंच जाएगा क्योंकि इतनी एनर्जी आ जाती है उसमें येस yes, एवरीबडी फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है चलो हमने स्पर्म को एक्टिव कर दिया अब स्पर्म कन्फ्यूज है इधर तक आ गया स्पर्म अब स्पर्म कन्फ्यूज है मैं लेफ्ट में जाऊँ कि राइट right में जाऊँ तो उसका कन्फ्यूजन कैसे हम अवॉइड करते हैं आपका जो फीमेल का एग है इस एग के पास जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स और इसके पास जो फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स हैं ये केमिकल सेक्रेट करते हैं जिसके वजह से स्पर्म को पता चल जाता है मुझे किधर जाना है और स्पर्म उसी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है सो कीमो अट्रैक्शन यानी फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन इसको हम कंपैटिबिलिटी रिएक्शन भी बोलते हैं यस yes? ओके okay. और फिर उसके बाद अपना एक्रोसोम रिएक्शन आएगा देखो ये अपना क्या है ये अपना एग है यस एवरीबडी सी दिस इज अवर एग एंड दिस इज अवर स्पर्म अब इस स्पर्म को एग के अंदर अपना न्यूक्लियस छोड़ना है ये स्पर्म का न्यूक्लियस है इसको अंदर आना है लेकिन इतनी सारी बाहर जो मेम्रेन है ये अंदर कैसे आएगा तो पहले कैपेसिटेशन किया कैपेसिटेशन करके आपका एक्रोजोम रिएक्शन होता है एक्रोजोम मतलब क्या होता है स्पर्म के हेड में इधर जो एक्रोजोम प्रेजेंट है इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है तो एक्रोसोम से आपके स्पर्म लाइसिन यानी कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स निकलते हैं कौन से कौन से एंजाइम होते हैंडेज जोनालाइसिन जो हेलोट्रोनिक एसिड को ब्रेक करेंगे, को साथ करेंगे, फिर जोना पेलुसिडा के साथ करेंगे जोना पेलुसिडा के साथ जब आपका स्पर्म करता है तो बहुत सारे अंदर आते जिसके से जोना मेम्रेन डीपोलराइज हो जाता है जिसके वजह से एक स्पर्म भी अगर अंदर आ गया जोना पेलुसिडा के तो ये स्पर्म समझो अंदर आ गया ऐसे अंदर आके ऐसे साइड में आ गया तो फटाक से ये मेम्ब्रेन पीछे से बंद हो जाती है ताकि दूसरा स्पर्म अंदर ना आ सके इतना स्मार्ट होता है हमारा एग ठीक है

फीमेल के साइटोप्लाज्म में दे देता है जिसके वजह से अपना मियोसिस टू कंप्लीट हो जाता है और हमारा सेकेंड पोलर बॉडी यानी कि मेच्योर ओवम रेडी हो जाता है ठीक है और अब इस ओवम के साथ आपका मेल का जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस फ्यूज करेगा इधर देखो आपका कभी भी पूरा स्पर्म अंदर नहीं जाता स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस और स्पर्म का सिर्फ सेंट्रीओल अंदर जाता है अंदर जाके आपके एग का मियोसिस टू कंप्लीट करता है और स्पर्म का न्यूक्लियस फीमेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर जाइगोड बनाता है लेकिन उसके पहले ये जो एग के अंदर ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है ना ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं एक स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर आ गया ना तो वो फटाक से बाकी का मेम्ब्रेन फ्यूज कर देते हैं ताकि दूसरा स्पर्म अंदर ना आ पाए ताकि ट्विन्स वाला कंडीशन ना हो लेकिन कभी कभी गलती से दो स्पर्म अंदर आ गए तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बनते हैं या समझो कि आपके दो एग रिलीज हुए थे और उनको दो अलग अलग स्पर्म ने फ्यूज किया तो डाय ट्विन्स बनेंगे ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्विन्स होते हैं तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से आपका पॉलिस फर्मी अवॉइड हो जाता है और लास्ट में मेल प्रो प्रोन्यूक्लियर और फीमेल प्रो प्रोन्यूक्लियर का फ्यूजन होकर सिनगैमी होता है और हमको क्या मिलता है हमारा जायगोट और ये जायगोट अब आगे जाके क्या करेगा हमको डिप्लॉयड नंबर देगा और हमको एम्ब्रियो देगा जिससे हमारा नया बच्चा बनेगा येस एवरीबडी सो दिस पार्ट इज कवर्ड चलो बताओ फर्स्ट पोलार बॉडी कब बना आपका टर्शरी फॉलिकल जब बना तभी मियोसिस वन कंप्लीट हुआ तो मियोसिस वन कम्प्लीट होके सेकेंड्री उइट बनता है और फर्स्ट पोलार बॉडी बनता है तो फर्स्ट मतलब वन वन मतलब मियोसिस वन तो मियोसिस वन में फर्स्ट पोलार बॉडी बना द मैचुरेशन ऑफ सेकेंड्री उइट इज अचीव ओनली ड्यूरिंग सेकेंड्री उइट का मैच्योरेशन कब अचीव हुआ ये जो सेकेंडरी उइट है इसका मैचुरेशन कब अचीव हुआ जब स्पर्म अंदर आता है मतलब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट अब आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस होते हैं अगर फ्यूजन में प्रॉब्लम हुआ तो जायगोट का डेवलपमेंट नहीं होगा सिंपल यस yes. तो अभी इधर देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं सबसे पहली बात एम्ब्रियो जायगोट से बनता है जायगोट डिविजन करेगा तो उसको बोलते हैं क्लीवेज क्लीवेज करके जब जायगोट अलग अलग सेल बनाता है तो इन सेल को बोलते हैं ब्लास्टोमियर अगर कंप्लीट क्लीवेज हुआ तो उसको बोलेंगे होलोब्लास्टिक क्लीवेज लेकिन अगर सिर्फ इनकम्प्लीट डिवीजन हुआ तो उसको बोलेंगे मीरो क्लीवेज तो ये आपका एम क्वेश्चन है पार्शियल क्लीवेज हुआ तो मीरो कंप्लीट क्लीवेज हुआ तो होलोब्लास्टिक लेकिन ये क्लीवेज कौन से डायरेक्शन में होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इधर से एम क्वेश्चन क्या आता है कि फर्स्ट क्लीवेज जो है ये लॉन्जीट्यूडनली होता है यानी कि स्ट्रेट होता है सेकेंड क्लीवेज कैसा होता है ये भी लॉन्जिट्यूडनल होता है बट राइट एंगल टू द फर्स्ट क्लीवेज ये एमसी क्वेश्चन है फर्स्ट क्लीवेज लॉन्जीट्यूडनल सेकेंड क्लीवेज लॉन्जीट्यूडनल बट एट राइट एंगल और थर्ड क्लीवेज जो है ये हॉरिजॉन्टल होता है तो ये नाम आपको याद रखने हैं फर्स्ट क्लीवेज बनेगा होगा तो दो ब्लास्टोमियर मिलेंगे सेकेंड क्लीवेज में चार और थर्ड क्लीवेज में आठ ब्लास्टोमियर्स मिलते हैं आठ सेल के स्टेज को हम बोलते हैं मोरूला एट टू सिक्सटीन सेल के स्टेज को हम बोलते हैं मोरूला और ये मोरूला यूट्रस के अंदर घुसने के लिए रेडी हो जाता है पर इधर एक चीज हमको क्या देखने को मिलती है कि जब आपका क्लीवेज हो रहा है तब आपके सेल के सेल के साइज में चेंज नहीं हो रहे हैं सिर्फ सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है उसका साइज चेंज नहीं हो रहा है सेल के नंबर्स इंक्रीज हो रहा है यानी कि अंदर ही अंदर ब्लास्टोमियर का इंक्रीज हो रहा है यस yes, एवरीबडी हाँ ठीक है तो इधर पे देखो इधर 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 ये सब सेम साइज का है तो आपका मोर्यूला जो है ये मोरूला चौथे दिन पे आपका इम्प्लांटेशन करने के लिए रेडी हो जाएगा लेकिन इम्प्लांटेशन करने से पहले आपका ये जो मोरूला है ये मोरूला के अंदर जो सेल्स होते हैं ना ये अपना रीअरेंजमेंट कर लेते हैं ये देखो टू सेल्स मलबरी लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज मोरूला अब इसके अंदर जो थोड़े से स्मॉलर सेल्स और थोड़े से लार्जर सेल्स है ये दो अलग अलग लेयर बना लेते हैं इधर देखो ये आपका स्मॉल सेल uh, बाहर चला जाएगा और जो लार्जर सेल्स है

Of तो पे आपका बन गया ब्लास्ट्यूला क्या बन गया ब्लास्ट्यूलास्टा मतलब पे अपने का ग्रोथ होगा तो अंदर आने के लिए ब्लास्टूला की की तो जो है एंडोमेट्रियम के अंदर जाना स्टार्ट करता है एंडोमेट्रियम में जाने से पहले ये जो अपना ट्रोफोब्लास्ट होता है यह ट्रोफोब्लास्ट जो है ये दो टाइप के अलग अलग लेयर बनाता है ट्रोफोब्लास्ट के बाहर के सेल्स जो है वो ट्रोफोब्लास्ट यानी कि ऐसे एकदम पंजे के जैसे सेल्स बनाते हैं ये देखो या आपका ट्रोफोब्लास्ट जो था इसने दो स्ट्रक्चर बनाए एक सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट और एक हाइपोब्लास्ट या साइटोट्रोफोब्लास्ट बचे हुए सेल्स को बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट तो सिंसीशियल सेल्स की मदद से आपका जो ब्लास्ट है वो एंडोमेट्रियम के अंदर आ जाएगा क्योंकि एंडोमेट्रियम के पास ब्लड वेसल है इसके पास फूड है और बाहर का साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वो इसको सिर्फ अंदर पुश करने में हेल्प करेगा आपका अंदर जो इनर सेल मास है ये इनर सेल मास में डिफ्रेंसियेशन हुआ और आपको दो सेल लेयर देखने को मिली जो नीचे वाली लेयर है उसको बोलेंगे हाइपो और जो ऊपर वाली लेयर है जो एंडोमेट्रियम के अंदर जा रही है उसको बोलेंगे एपीब्लास्ट एपी, ब्लास्ट। एपी ब्लास्ट आगे जाके क्या बनाता है ये बनाता है एक्ट्रोडम और हाइपोब्लास्ट आगे जाके क्या बनाता है ये बनाता है एंडोडम तो सबसे पहले कौन सी जर्म लेयर बनती है देखो इधर पे ब्लास्टुलेशन हो गया आपका ब्लास्टुला यूट्रस के अंदर चला गया तो ये देखो ये इनर सेल मास है इनर सेल मास से जोना पेलोसिडा निकल गया ये आपके एंडोमेट्रियम के अंदर जा रहा है जैसे ही एंडोमेट्रियम के अंदर गया आपका इनर सेल मास दो लेयर में कन्वर्ट हुआ एपी ब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट अब ये एंडोमेट्रियम के पूरा अंदर है तो ये से एक्टोडम बनेगा से बनेगा और ये डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बन गया है दो लेयर का तो इसको बोलते हैं डिस्क ये जो दो लेयर का स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे डिस्क अब ये दोनों लेयर्स के बीच में आपकी और एक लेयर फॉर्मेशन होती है जिसको बोलते हैं मिसोडम तो वो कैसे फॉर्म होती है वो हम देख लेते हैं ठीक है ठीके? इधर देखो ये आपका डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस है यानी कि जर्म लेयर बन रहा है सबसे पहले आपका बना एंडोडर्म एंडोडर्म के अंदर होती है आपकी योग सैक और फिर दूसरे नंबर पे बनती है एक्ट्रोडर्म ectoderm, एक्ट्रोडर्म्स के अंदर होता है अपना एमनियोटिक कैविटी इनके बाजू बाजू में आपको ये जो एमनियोजेनिक सेल्स दिखाई दे रहा है ना ये स्टार शेप सेल्स इनको हम बोलते हैं एमनियोजेनिक सेल्स या एमनियोजेन इनसे आपका बनता है एमनियोटिक फ्लूड ये एमनियोजेनिक सेल्स से क्या बनता है बेटा ये देखो ये जो स्टार शेप सेल्स दिखाई दे रहा है इससे अपना क्या बनेगा एमनियोटिक फ्लूइड और आपके ये दोनों लेयर के बीच में ना एक प्रिमेटिव स्ट्रीक बनेगा मतलब सेल्युलर रीअरेंजमेंट होता है जिसके वजह से इधर पे ऐसा एक स्ट्रीक लाइक स्ट्रक्चर बनता है और ये स्ट्रीक लाइक स्ट्रक्चर आगे जाके ये फ्यूचर एनस बनाएगा आगे जाके क्या बनाएगा ये ये तो तो इधर पे न्यू बनना स्टार्ट हो जाते हैं हैं और ऐसा आपका middle लेयर बनता है जिसको बोलते हैं तो ये सब करने के लिए 14 से पंद्रह इज दिस क्लियर कि गैस्ट्रेशन कैसे हुआ गैस्ट्रेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ थ्री डिफरेंट जर्म लेयर्स ओके तो एक्ट्रोडोम से कौन से ऑर्गन बनते हैं एंड्रोडोम से कौन से बनते हैं मीसोडोम से कौन से बनते हैं ये एमसीक्यू में पूछा जाता है चलो पंद्रह मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा अब आता अपना प्रेगनेंसी वाला पीरियड प्रेगनेंसी कंडीशन को बोलते हैं जेस्टेशन अगर आप लास्ट पीरियड्स कब हुए थे उधर से काउंट करोगे तो आपका टू एट्टी डेज होता है और अगर आप फर्टिलाइजेशन के डे से काउंट करोगे तो टू सिक्सटी सिक्स डेज होता है ओके तो देखो इधर पे प्रेगनेंसी के बारे में क्या बताया गया है प्रेगनेंसी के तीन ट्राइमेस्टर्स होते हैं तीन 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 ऐसे छः महीने का ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी पीरियड ना नौ महीने का प्रेगनेंसी पीरियड होता है जिसमें से फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी स्टार्टिंग के थ्री मंथ में फीटस पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है मतलब फ़ीटस के बॉडी पूरी तरीके से फॉर्म हो जाती है उसके ऑर्गन्स पूरे तरीके से फॉर्म हो जाते हैं अपना एम्ब्रियो थ्री सेंटीमीटर का है उसके आर्म्स हैंड्स फिंगर फीट टो सब कुछ बन गया उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह हार्ट बीट वगैरह सब कुछ बन गया है तो फीटस की ग्रोथ पूरी हो जाती है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड होते होते फीटस सेवन टू टेन सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है हार्मोन के बारे में पूछा तो इधर आपको क्या देखना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोजेस्ट्रॉन जो है ये प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन किधर से बन रहा है एचसीजी हार्मोन से बन रहा है जो आपके कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहा था एंटीरियर uh, पिट्यूटरी से आया था और कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बना रहा था तो प्रोजेस्ट्रॉन लेवल बहुत हाई हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और फीमेल की बॉडी में बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है मतलब उनको उल्टी वगैरह आती है एटसेट्रा एटसेट्रा ठीक है सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि चौथा महीना जब स्टार्ट होता है तो फीटस का साइज काफी बड़ा हो जाता है हार्मोन लेवल स्टेबलाइज हो जाते हैं और फीटस की सोनोग्राफी करके पता चलता है कि उसकी बॉडी की ग्रोथ कैसी है फीटस का हेयर वगैरह आईब्रो वगैरह आईलैशेज पिने ईयर सब डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और बॉडी मूवमेंट फील होना स्टार्ट हो जाती है ठीक है तो ये देखो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका एच सी जी हॉर्मोन नीचे चला जाता है और और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है और थर्ड ट्राइमेस्टर में अब आपका फीटस का पूरा बॉडी बन गया है अब सिर्फ वो डेवलप हो रहा है यानी कि अपना फीटस तीन महीने तक खा खा के सिर्फ मोटा होगा मोटा होगा मोटा होगा इज दिस क्लियर तो थर्ड ट्राइमेस्टर में फीटस सेंटीमीटर यानी कि इतना लंबा हो जाता है इतना लंबा येस yes? इतना लंबा नहीं तो इतना लंबा तो हो ही जाता है तीस सेंटीमीटर का स्केल इतना रहता है तो पचास सेंटीमीटर इतना लंबा फीटस हो जाता है okay? और फाइनली वो पार्चुरेशन के लिए रेडी हो जाता है लेकिन ऐसे ही पार्चुरेशन नहीं होता देखो फीटस जब थ्री मंथ्स का था थ्री मंथ्स का था तो उसको खाना किधर से मिल रहा था प्रोजेस्ट्रॉन से प्रोजेस्ट्रॉन कौन बना रहा था कॉर्पस ल्यूटियम लेकिन जब सेकेंड ट्राइमिस्टर स्टार्ट होता है तो सेकेंड ट्राइमिस्टर में सॉरी किधर गया सेकेंड ट्राइमिस्टर में आपका कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है और आपका प्लेसेंटा बन जाता है ये प्लेसेंटा एक टेम्प्ररी एंडोक्राइन टिश्यू है ये आपका प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बनाना स्टार्ट करता है और जब तक डिलीवरी नहीं हो जाएगी तब तक प्लेसेंटा से ही आपका एंडोक्राइन टिश्यू आप ना प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बनते रहता है ठीक है प्लेसेंटा ये एक आ, क्या बोलते हैं इसको इट इज मेड अप ऑफ डुअल ओरिजिन प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो दो अलग अलग इंडिविजुअल के पास पार्ट से बनता है आपको सिंपल सिर्फ ये डायग्राम याद रखना है प्लेसेंटा का फंक्शन होता है मदर से इधर देखो प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है मदर के ब्लड में से मदर का ब्लड नहीं जाता फीटस के पास मदर के ब्लड में से सिर्फ न्यूट्रिय ऑक्सीजन एंटीबॉडी और एच ट्रांसपोर्ट करना कौन सा एंटीबॉडी आई जी एंटीबॉडी ठीक है आई जी ए या आई जी जी दोनों में से कोई तो एक एंटीबॉडी है कोलेस्ट्रॉम में से कौन सा एंटीबॉडी फॉर्म होता है पढ़ा है ना हमने एक मिनट रुको अभी पता चल जाएगा तुम लोग के ऊपर भरोसा नहीं है मुझे मेमोरी ग्लैंड पार्चुलेशन लैक्टेशन हाँ आई जी जी कोलेस्ट्रॉम से आई जी ए बनता है तो प्लेसेंटा से आई जी जी बनता है ये देखो प्लेसेंटा से कौन सा एंटीबॉडी मिलता है आईजीजी ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा और आपने आंसर नहीं दिया तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि मदर के प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन एंटीबॉडी विटामिन एच टू मिलता है और फीटस जितना भी टट्टी वगैरह करता है जो भी वेस्ट वगैरह प्रोड्यूस करता है वो सब मदर के पास प्लेसेंटा की मदद से जाता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया एंड अदर हॉर्मोन्स वो मदर के पास फीटस के प्लेसेंटा से जाता है तो अपना फीटस जो है ये दो टिश्यू से बना है इसीलिए उसको बोलते हैं हीमोकोरियल हीमो मतलब क्या होता है हीमो मतलब ब्लड वाला पार्ट यानी मदर वाला पार्ट और कोरियल यानी फीटस वाला पार्ट यानी कि कोरियोन वाला पार्ट सो दो टिश्यू से बना है इसीलिए इट इज इस हीमो कोरियल इन नेचर ओके ऑल राइट right. ये आपका अम्बलिकल कॉर्ड है अम्बलिकल कॉर्ड फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है लेवल ऑफ एच सी जी इंक्रीजेज अप टू द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर और फिर धीरे धीरे ये डिक्लाइन हो जाता है आपके प्लेसेंटा से प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है और जब पार्चुरेशन का टाइम आएगा तो पार्चुरेशन से आपका रिलैक्सिन सॉरी आपके प्लेसेंटा से दो निकलते हैं एक रिलैक्सिन हॉर्मोन और एक ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन ठीक है जो पार्चुरेशन करने में हेल्प करते हैं तो पार्चुरेशन यानी चाइल्ड बर्थ करना पार्चुरेशन के टाइम पे कौन से कौन से हॉर्मोन किधर किधर से बनते हैं वो देखो फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोक्सिन निकलता है जो कॉन्ट्रैक्शन करेगा और फीटस जो है प्लेसेंटा से ईस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा जिससे आपका कॉन्ट्रैक्शन uh, होगा और फीटस से प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन बनेगा जिससे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पार्चुरेशन के टाइम पे प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बिल्कुल नहीं चाहिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन चाहिए और ईस्ट्रोजन हार्मोन चाहिए ठीक है ओके सो स्टार्टिंग में आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा रहता है धीरे 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 प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स बनना स्टार्ट होता है पार्चुरेशन के टाइम पे यहाँ चाइल्ड डिलीवरी के टाइम पे अब बच्चा बाहर आ गया तो हार्मोन्स का काम खत्म अब सिर्फ ऑक्सीटोसिन बचा है क्योंकि अब ये मेमोरी ग्लैंड को पार्चुरेट करेगा यानी मेमोरी ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं बर्थ हार्मोन यस एवरीबडी जो मेमोरी ग्लैंड में से मिल्क एजेक्ट करने में हेल्प करता है ओके पार्चुरेशन के तीन स्टेजेस होते हैं डायलेशन स्टेज एक्सपल्शन स्टेज एंड आफ्टर बर्थ डायलेशन स्टेज यानी कि जब आपका एमनिओटिक सेक फट जाता है एमनिओटिक फ्लूइड पूरा निकल जाता है जो बोलते ना बच्चे की थैली फट गई पानी निकल रहा है तो यानी कि वो आपका डायलेशन स्टेज है आपका सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट होता है फीटस बाहर आने के लिए रेडी होता है और फिर जब फीटस बाहर आ रहा है तो इसको बोलेंगे एक्सपल्शन स्टेज हेड से वो बाहर आता है और ये बाहर आने के बाद आपका जो बचा हुआ प्लेसेंटा है धीरे धीरे करके ये भी कॉन्ट्रैक्ट होकर बाहर आ जाता है इसको बोलते हैं आफ्टर बर्थ ठीक है ओके लैक्टेशन में नौ महीने तक मदर के ब्रेस्ट में जो मिल्क बन रहा था वो मिल्क पूरा येलो कलर का हो जाता है मिल्क बनाने वाला हार्मोन कौन सा है प्रोलैक्टिन और मिल्क इजेक्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो नौ महीने तक मिल्क स्टोर करते हैं नौ महीने तक मिल्क स्टोर करते जिसके वजह से मिल्क येलो कलर का हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को लगता है ये मिल्क खराब हो गया है तो लोग क्या करते हैं मिल्क फेंक देते हैं लेकिन ये मिल्क एक्चुअली बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन शुगर मदर के एंटीबॉडीज सब होते हैं जिसके वजह से बच्चे को छः महीने तक काफ़ी ज्यादा इम्यूनिटी मिलती है फूड मिलता है रिसोर्सेज मिलता है तो उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल इसका एम क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है ओके रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं मिलता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कैसे हैंडल करें हार्मोनल चेंजेस के साथ कैसे फेस करें टेक्स एजुकेशन क्या है तो इसके लिए अपने कंट्री में बहुत सारे ऑडियो विजुअल न्यूज़पेपर्स और ऐसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं इसमें से कल हमने जो मॉक टेस्ट लिया था बायोलॉजी का उसमें एक क्वेश्चन आया था कि 2020 में इंडिया का पॉपुलेशन कितना हो गया था तो देखो 2011 में इंडिया का पॉपुलेशन 1.2 बिलियन था और 2020 में 1.35 बिलियन हो गया था तो ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ में से भी क्वेश्चन आते हैं किसको किसको याद है ये बताओ जल्दी जल्दी ये एम सी क्यू याद है लास्ट में अपना सेकंड लास्ट टॉपिक है बर्थ कंट्रोल मेथड बर्थ कंट्रोल मेथड्स अलग अलग होते हैं बर्थ कंट्रोल क्यों करना है ताकि पॉपुलेशन ना बढ़े पहला मेथड होता है नेचुरल मेथड या सेफ पीरियड यानी कि पीरियड आने के एक हफ्ते पहले और पीरियड जाने के एक हफ्ते बाद का पीरियड जो होता है वो सेफ पीरियड माना जाता है पीरियड आने वन वीक बिफोर पीरियड सी अ वीक बिफोर एंड अ वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंसिडर्ड सेफ पीरियड क्योंकि इस टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं होता एग रिलीज नहीं होता तो, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है कभी कभी इस पीरियड में भी प्रेगनेंसी हो जाती है क्वाइटस इंटरप्टस क्या होता है मेल्स जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो सीमेन इजैक्युलेट करने से पहले ही वो अपना पीनस फीमेल के बजाय से बाहर निकाल लेंगे इंटरप्ट कर लेंगे उसको बोलेंगे क्विटस इंटरअप्टस पर ये भी फेल हो जाता है क्योंकि कभी कभी प्री इजैक्युलेटरी फ्लूड में भी स्पर्म होते हैं तो प्रेगनेंसी हो सकती है लैक्टेशनल एमिनोरिया सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टेक्निक माना जाता है समझो किसी फीमेल को अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है तो छः महीने तक उसको पीरियड्स नहीं आएंगे और जब तक वो बच्चे को फीड कर रही है जब तक माँ अपना दूध बच्चे को पिला रही है तब तक उसको मतलब एटलीस्ट सिक्स मंथ्स उसको पीरियड्स नहीं आएंगे प्रेगनेंसी के बाद तो वो सिक्स मंथ्स अगर उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो प्रेगनेंसी नहीं होती है इसको बोलते हैं लैक्टेशनल इम्यनोरिया केमिकल लेकिन इसके भी फेलियर के चांसेस पाए गए हैं केमिकल मींस यानी कि अगर फीमेल ने अपने वजाइना में कोई केमिकल जेली या कोई मेडिसिन लगा दी तो उसकी वजह से स्पर्म की डेथ हो जाएगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी बट इसका एलर्जिक रिएक्शन फीमेल को होता है मैकेनिकल मीन्स के दो मेथड एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एक है कॉन्डम और एक है फीमेल कॉन्डम्स एक्चुअली बहुत सारे एक एक करके देखते हैं ये मेल कॉन्डम है जिसको हम निरोध बोलते हैं जो रबर जैसा होता है इसको सिंगल टाइम यूज़ कर सकते हैं और ये मेल्स अपने पीनेस में इंसर्ट करते हैं इससे प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट होती है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी नहीं होता है फिर डायफ्राम सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट या इसको फेमीडाम्स भी बोलते हैं यानी फीमेल कॉन्डम ये रीयूजेबल होता है बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये फीमेल यूज करती है फीमेल इसको अपने सर्विक्स में अटैच करती है जिससे मेल का समझो ये फीमेल का सर्विक्स में हमने फेमीडाम लगा दिया तो मेल का जो इजैकुलेशन है वो आगे जा ही नहीं पाएगा स्पर्म आगे जा तो नहीं पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस आपके बहुत सारे होते हैं कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग इसका एग्जांपल अगर आपने लर्न नहीं किया तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि एग्जांपल से रिलेटेड हंड्रेड परसेंट एक एमसीक्यू आएगा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सा होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन से होते हैं कॉपर टी कॉपर सेवन इसके आगे कॉपर है तो ये आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट नहीं है कन्फ्यूजन किधर होता है एल एन जी ट्वेंटी और मल्टीलोड थ्री सेवेंटी फाइव ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जांपल है ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का एग्जांपल है आईयूडी मतलब क्या होता है इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस तीन टाइप के इंट्रा यूट्रेन डिवाइसेज होते हैं पहला होता है लिप्स लूप जो इंडिया में बैन कर दिया गया है क्योंकि ये आप अपने सर्विक्स रीजन में समझो ऐसे यहाँ पे मैंने लिप्स लूप लगाया तो ये लिप्स लूप के वजह से ना माइक्रोफाजिस जमा हो जाते हैं जिसके वजह से स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है फीमेल के यूटरस में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये इंडिया में बैन हो गया है लिप्स लूप बैन हो गया है क्योंकि ये माइक्रोफाज एक्टिविटी करता है आपको कभी कभी एम में फंक्शन भी पूछते हैं कि लिप्स लूप कैसे करता है फंक्शन तो माइक्रोफाज करता है फिर आता है आपका कॉपर रिलीजिंग आयोडी कॉपर रिलीजिंग आयोडी क्या करता है इसको हम आपके यूटरस में इम्प्लांट करते हैं और ये क्या करेगा ये आपके स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है क्योंकि स्पर्म को स्पीड बढ़ाना है तो कैल्शियम चाहिए बट कैल्शियम की जगह अगर हम इसको कॉपर देंगे तो इसकी स्पीड बढ़ने की जगह स्लो हो जाती है तो ये स्पर्म की मोर्टिलिटी को स्लो कर देता है कैपेसिटेशन नहीं होने देता और हार्मोन रिलीजिंग आईडी क्या करता है ये अपने यूटरस को इतना ज्यादा हॉस्टाइल यानी इतना ज्यादा डेंजरस बना देता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ भी तो भी आपका जायगोट उधर सर्वाइव नहीं कर पाएगा यानी एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो पाएगा सो ये तीन फंक्शन है फिर नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल डिवाइसेज यानी कि पिल्स अलग अलग पिल्स होते हैं जो हमारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन रेशियो को बैलेंस करते हैं जिसके वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है मतलब पहले ही प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई हो जाता है तो ओव्यूलेशन नहीं होगा जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी तो ये भी काफ़ी ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक होता है बस इट इसके वजह से साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं फीमेल में एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा नॉन स्टेरॉयडल पिल है जो इंडिया में बनाया गया है इट इज सहेली ये नॉन स्टेरॉयडल पिल है जो लखनऊ के सी लैब में बनाया गया है ठीक है सो इसका नाम याद रखना है दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव कौन से होते हैं दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं आपके स्टिक वाले ठीक है ये नेप्लेक्सोन या इम्पलेनॉन होता है इसको आप अपने फोर आर्म में इम्प्लांट करते हो इसका काम भी सेम पिल जैसा होता है बट इसको हम तीन से चार साल तक इम्प्लांट करके रख सकते हैं तीन चार साल के बाद इसको बदलना पड़ता है ठीक है परमानेंट मेथड में आता है दो एक वैसेक्टोमी एक ट्यूबेक्टोमी यानी कि नसबंदी अगर आपने मेल्स का वैसेक्टोमी टाई करके, करके कट कर दिया तो आपका मेल जो है ये मेल का सेक्सुअल प्लेजर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वास डिफरेंस से सिर्फ स्पर्म आ रहा था बाकी सब फ्लूड तो इधर से आता है ना तो सिर्फ स्पर्म आगे नहीं जा पाते बाकी उनका सेमिनल वेसिकल और जितना भी सेक्सुअल फ्लूड है सब सेक्सुअल प्लेजर वगैरह सब मेंटेन रहता है वैसेक टोमी करने से सिर्फ स्पर्म आगे नहीं आता जिसके वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी ठीक है और अगर हमने फीमेल का ऑपरेशन किया ट्यूबेक टोमी का फेलोपियन ट्यूब कट किया तो बहुत सारे बच्चों को इधर कन्फ्यूजन है कि फेलोपियन ट्यूब कट करने से पीरियड स्टॉप हो जाते हैं क्या ऐसा नहीं होता अगर आप फेलोपियन ट्यूब कट कर दोगे तो आपका पीरियड्स किधर से आता है पीरियड्स में आपका यूटरस का एंड एंडोमेट्रियम जो होता है ये बाहर निकलता है तो अगर आपने फेलोपियन ट्यूब कट किया तो आपका स्पर्म सिर्फ आगे नहीं जा पाएगा तो उसके वजह से इधर पे जो आपका एग है वो इधर ही डिजोल्व हो जाएगा और वो ओवरी में ही मिक्स हो जाएगा ठीक है लेकिन आपका स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा प्रेगनेंसी नहीं होगा लेकिन फीमेल को कंटिन्यू पीरियड्स आते रहते हैं क्योंकि पीरियड्स का स्पर्म से कुछ लेना देना नहीं है फेलोपियन ट्यूब से कुछ लेना देना नहीं है पीरियड्स जो है वो आपके एंडोमेट्रियम से आते हैं सो पीरियड्स में कुछ असर नहीं पड़ता ठीक है नेक्स्ट आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये लीगल मेथड होता है लीगल आप अबॉर्शन करा सकते हो अगर आप अगर फीमेल हेल्दी नहीं है अगर बच्चा हेल्दी नहीं है या फीमेल फाइनेंशियली रेडी नहीं है मेंटली रेडी नहीं है तो वो अबॉर्शन करवा सकती है अबॉर्शन करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल की परमिशन की जरूरत पड़ती है ठीक है अगर आपको समझो बच्चे का हेल्थ जानना है कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसी हो रही है तो उसके लिए एक टेक्निक किया जाता है एमनियोसेंटेसिस ये टेक्निक इंडिया में बैन है क्योंकि इंडिया के लोग इस टेक्निक को बच्चे का सेक्स जानने के लिए यूज करते हैं कि लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाला है तो उसकी वजह से फीमेल फिटिसाइड हो जाता है है ना सो so, ये टेक्निक इंडिया में बैन है लेकिन ये टेक्निक से हम पता कर सकते हैं कि बच्चा बराबर हेल्दी है कि नहीं है अगर अनहेल्दी है तो फिर उसको अबॉर्ट कर सकते हैं एम एक्ट कब स्टार्ट किया गया था इंडिया में नाइनटीन में ये एम क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ठीक है देखो एमनियोसेंटेसिस कैसे होता है आप एमनियोटिक फ्लूइड जमा करके उस सेल का करियो टाइपिंग करते हो करियो टाइपिंग मतलब क्या होता है क्रोमोजोम स्टडी लेकिन इससे हम सेक्स भी पता कर सकते हैं तो इसीलिए ये टेक्निक इंडिया में बैन है इंडिया वालों को कुछ अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना लेकिन इसके रिस्क भी होते हैं मिस हो सकता है या नीडल से फीटस को इंजरी हो सकती है ऑर्गन डैमेज हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है लीकिंग हो सकती है कुछ भी हो सकता है सो इट इज़ नॉट अ वेरी सेफ टेक्निक मतलब इट इज़ रिस्की टेक्निक ओके राइट इधर पे देखो आपको क्या बताया गया है मेडिकल टर्मिनेशन हाँ तो ये देखो पता पता चलता है ना कि मेल है कि फीमेल है तो ये करियो टाइपिंग करके हमको मेल का और फीमेल का क्रोमोजोम्स का डिटेक्शन कर सकते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 2017 में एग्जीक्यूट हुआ इट वाज स्टार्टेड इन 1971 बट इट गॉट एग्जीक्यूटेड इन आपको कुछ कंडीशन याद रखना है अबॉर्शन कब करवा सकते हैं ट्वेल्व वीक्स के पहले अगर ट्वेल्व वीक्स के पहले आप अबॉर्शन कर रहे हो तो आपको एक डॉक्टर की परमिशन लगेगी रजिस्टर्ड डॉक्टर की ठीक है किसी भी डॉक्टर से काम नहीं चलेगा नर्स वर्स से काम नहीं चलेगा ट्वेल्व वीक्स से ज़्यादा हो गए और आप पाँचवें महीने में अगर अबॉर्शन करवा रहे हो चौथे पांचवे महीने में तो फिर आपको दो डॉक्टर्स की परमिशन लगेगी और जिस मदर को अबॉर्शन करवाना है सिर्फ उसकी परमिशन लगेगी सास ससुर पति देवर देवरानी भाई बहन मम्मी पापा किसी की भी परमिशन से अबॉर्शन नहीं होता सिर्फ प्रेग्नेंट वुमन के परमिशन से अबॉर्शन होता है तो उसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को ही हम वेनेरियल डिजीज बोलते हैं एग्जाम में ये वर्ड दिया जाता है दो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं ट्रिपेन सिफिलिस एंड गनोरिया तो इसका ये टेबल आपको लर्न करना है बेसिकली सिफिलिस और गनोरिया दोनों सेक्शुअल इंटरकोर्स करने की वजह से होता है इसका आपको पॉजिटिव एजेंट याद रखना है और इसका ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा एंटीबायोटिक यूज करते हैं वो आपको याद रखना है ठीक है ओके सिफिलिस में आपको चैंकर फॉर्मेशन देखने को मिलता है ये एमसीक्यू क्वेश्चन है और गोनोरिया में आपको छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं छोटे छोटे लीजन फॉर्म होते हैं ये आपको गोनोरिया के लिए याद रखना है ठीक है इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई कपल अगर माँ बाप नहीं बन पाएंगे तो पहले कैसे ऑप्शन होता था सिर्फ अबॉर्शन का ऑप्शन रहता था 1978 के पहले लेकिन 1978 के बाद बहुत सारी टेक्निक्स डिज़ाइन हुई जिसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर में हमने ये पढ़ा है आर्ट आर्ट यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो एड्स के लिए यूज़ करते हैं बट ये वो वाला आर्ट नहीं है ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है तो आज के टाइम पे ये पॉसिबल है कि अगर आप नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकते तो आप साइंटिस्ट साइंस की मदद से प्रेग्नेंट हो सकते हो पहला टेक्निक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो मेल का स्पर्म और फीमेल का एग ट्यूब में फर्टिलाइज किया जाता है और उसका जयगोड बनाया जाता है अगर आपने जाएगोट को डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर दिया तो इसको बोलेंगे जिफ्ट जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र और अगर आपने इस जायगोट को थोड़ा डेवलप होने दिया एम्ब्रियो बनाया और फिर इस एम्ब्रियो को आप डायरेक्ट यूटरस में अगर ट्रांसफर करते हो तो इसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी अगर आप जायगोट को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको फेलोपियन ट्यूब में डालोगे अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हो तो यूटरस में डालोगे ठीक है तो जिफ्ट मतलब क्या होता है जायगोट बनाया लैब में और जायगोट को वापिस फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया जिफ्ट हम कब करते हैं यूजली अगर किसी फीमेल का फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो स्पर्म नहीं जा पा रहा है इसीलिए हम इसको तो को बाहर लेंगे एग को बाहर लेंगे फर्टिलाइज करेंगे और डायरेक्ट जायगोट को क्या करेंगे डायरेक्ट जायगोट को फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर देंगे ठीक है गिफ्ट क्या होता है ये होता है सरोगेसी मतलब गिफ्ट में बेसिकली समझो कि किसी फीमेल का यूटरस हेल्दी नहीं है उसके यूटरस में सूटेबल एन्वायरमेंट नहीं है जिसकी वजह से फीटस डेवलप नहीं हो पा रहा है या उसका अपर ओविडक्ट का रीजन ब्लॉक है तो ऐसे केस में हम किसी और का वोम भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपना गैमेट उसके में डालते हैं। दिस इज़ कॉल्ड गैमेट गैमेट ट्रांसफर, यानी कि टेक्नोलॉजी। आपने अपना किसी और फीमेल के में डाला और उस फिर फर्टिलाइजेशन हुआ यह बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है स्पर्म यूज करते हैं और इसको डायरेक्ट एग के साइटोप्लाज्म के अंदर जाके छोड़ते हैं ताकि हमको 100% परसेंट गारंटी रहे कि ये स्पर्म वेस्ट ना हो सो so, एक ही स्पर्म यूज़ होता है इसमें ठीक है और इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक आती है दैट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या करते हैं बहुत सारे स्पर्म्स कलेक्ट करते हैं और उसको फीमेल के सर्विक्स में रिलीज करते हैं फिर सर्विक्स के आगे कैपेसिटेशन होगा और स्पर्म आगे जाएंगे ठीक है लेकिन इसमें कभी कभी चांसेस कम होते हैं फर्टिलाइजेशन होने के लेकिन इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन में हम क्या करेंगे स्पर्म को डायरेक्ट यूट्रस में डालेंगे तो उनका कैपेसिटेशन करने का प्रोसेस खत्म हो जाएगा और झंझट ही नहीं है डायरेक्ट आपका स्पर्म आपके एग के पास जाएगा और फर्टिलाइजेशन करेगा तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन में क्या डिफरेंस है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम सर्विक्स में डालते हैं स्पर्म को इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन में हम स्पर्म को यूट्रिस में डालते हैं सर्विक्स में नहीं डालते सो दिस इज द ओनली डिफरेंस स्पर्म बैंक में बहुत सारे लोग अपना स्पर्म स्टोर करके रखते हैं जैसे कि समझो अगर किसी को अभी बच्चा पैदा नहीं करना है बाद में करना है तो वो अपना स्पर्म प्रिजर्वेशन यानी लिक्विड नाइट्रोजन माइनस वन नाइन्टी डिग्री सेल्सियस में स्टोर uh, करके रख सकते हैं और बाद में स्पर्म्स को एक्टिवेट कर सकते हैं अडोप्शन भी एक मेथड होता है बट इसके लिए कंडीशंस क्या है जो इंसान अडॉप्ट करना चाहता है वो खुद इक्कीस साल का होना चाहिए उसका कोई भी लीगल केसेस uh, नहीं होना चाहिए कोई भी मतलब उसका लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए और वो खुद हेल्दी होना चाहिए फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी होनी चाहिए सो दीज आर दी कंडीशंस बाकी कोई भी बच्चा अडॉप्ट कर सकता है चलो चैप्टर खत्म कुछ एम सी सॉल्व करते हैं अब आपके जो जो क्वेश्चन हैं आप पूछ लो फाइनली द सेशन इज ओवर गया गला गया यस yes. यस yes? फेलियर ऑफ टेस्टिस अगर टेस्टिस क्रोटम में नहीं आया तो उसको क्या बोलते हैं क्रिप्टॉर्डिजम नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ वो जेनिस स्टार्ट मच बिफोर द बर्थ गैमेट डेवलपमेंट बर्थ के भी पहले स्टार्ट हो जाता है जब फिटस थ्री मंथ की होती है एंड ओवर इज फुल्ली डेवलप्ड बाई द एंड ऑफ हाउ मेनी वीक्स थ्री मंथ मतलब कितना वीक्स येस ट्वेल्व वीक्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बहुत सारे प्रिमोडियल फॉलिकल्स एक साथ डीजनरेट हुए तो इसको क्या बोलेंगे एट्रेसिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आंसर दो इसका कल ग्यारह बजे आपका फिजिक्स का लाइव लेक्चर है जिसमें चैप्टर थ्री के जी का वन शॉट लेक्चर होने वाला है ठीक है और इसी वीक में इसी वीक में आपका फिजिक्स का फिफ्टी एम का मॉक टेस्ट होगा फिफ्टी एम का मॉक टेस्ट होगा तो इसका टाइम टेबल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो लॉन्गेस्ट फेज़ कौन सा होता है मिन्स्ट्रल साइकिल का ल्यूटियल फेज़ या सेक्रेटरी फ़ेज़ शॉर्टेस्ट फेज़ कौन सा होता है ओवीलिटरी फेज एक ही दिन का होता है ठीक है चलो अभी तक अगर आप लोगों ने वन शॉर्ट नहीं देखा आपके पास लाइव वन शॉट देखने का टाइम नहीं होता तो आप डायरेक्ट ये वीडियो देखो यहाँ से फिजिक्स के वन शॉर्ट्स देख सकते हो चैप्टर वाइज एम सी क्यूज सॉल्व कर सकते हो शिफ्ट वाइज एम सी क्यूज हमने अपलोड किए हैं फिर से एक बार अनाउंस कर देती हूँ मुंबई में हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है ज्ञान लैब टूटोरियल यहाँ पर क्लास इलेवन के लेक्चर्स आज से स्टार्ट हो चुके हैं सेकेंड बैच बनेगी और उसके लेक्चर्स हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट बैच फुल हो चुकी है तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड रिलेटिव कजिन कोई भी अच्छा एकदम मुंबई में बेस्ट प्राइस में एकदम चीपेस्ट प्राइस में अगर बेस्ट एजुकेशन चाहता है तो ज्ञान लैब ट्यूटोरियल ही उसके पास एक लौता सोल्यूशन है क्योंकि जो क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं जिस प्राइस में वैसी क्वालिटी आपको पूरी मुंबई में नहीं मिलेगी एंड आई अश्योर यू दैट ओके चलो इसके अलावा मैंने नीट में नीट की चैनल हमारी जो एक मिनट रुको किधर गया हाँ हमारी जो नीट वाली चैनल है इसमें मैंने हंड्रेड एन का सेशन परसों के दिन लाइव लिया था जो ट्वेल्थ सितंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर था तो आप ये वीडियो जाके नीट वाली चैनल पे देख सकते हो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारे पीडीएफ दिए गए फार्मूला शीट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का लिस्ट ओके सारे शिफ्ट वाइज एम सब 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 पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दिया गया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो आपको सब कुछ मिल जाएगा यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ बफरिंग चैनल एंटरटेनमेंट के लिए और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक कर देना कल का मॉक टेस्ट जाके देखो कल का मॉक टेस्ट जाकर देखो कल बायो का मैंने मॉक टेस्ट लिया था ठीक है सौ एम एक साथ लिए थे ट्वेंटी नाइन सेप्टेम्बर का शिफ्ट का क्वेश्चन था कल का मॉक टेस्ट देखो और अपने मार्क्स कमेंट करो चलो बाय एवरीबडी सी यू आज शाम को छ बजे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है तो सब लोग स्टेट यून रहना और आज एनसीआरटी पे चैप्टर एटीन का एम अपलोड करने वाली हूँ मैं एन चैनल पर तो so, एन चैनल भी सब्सक्राइब करके रखो नीट एग्जाम एकदम सर पे आ गया है जैसे नीट एडमिट कार्ड रिलीज होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे बाय एवरी।